हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 13.2 एग्जाम के लिए एम्बिशियस बाबा की तरफ से आपको फाइनल गिफ्ट रेडी है। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अगले एक घंटे में मैरिन इंश्योरेंस के बारे में। हम मैरिन इंश्योरेंस का एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज करने वाले हैं। आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। इससे क्या होगा, एक तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ आपके सारे टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहले अपने यदि बात करें बेसिक्स की, तो मरीन इंश्योरेंस के बेसिक्स में जो अपने आता है वो है कि इसमें क्या क्या कवर होता है। गुड्स इन ओनली ऑर्डिनरी ट्रांजिट, सपोज ये कोई पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। ऑर्डिनरी ट्रांजिट का मतलब होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, ये नहीं कि ये खुद यहाँ से चल के यहाँ तक जा रहा है, वो मरीन में कवर नहीं होगा। इन ऑर्डिनरी ट्रांजिट ऑन आर कैरियर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, और ये गवर्न किससे होता है, मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 से इसको गवर्न किया जाता है। आपसे इस पे सवाल आ सकता है कि मरीन इंश्योरेंस कौन से एक्ट किस से गवर्न होते हैं। द एक्ट इज मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963। नाउ नेक्स्ट कम्स मरीन पॉलिसीज आर फ्रीली असाइनेबल, यानी आप उस पॉलिसी को कभी भी असाइन कर सकते हो। इसमें कंडीशन क्या होती है, जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है वो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी कम मांगती है, ओनली एट द टाइम ऑफ क्लेम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको फायर में यदि इंश्योरेबल इंटरेस्ट पूछा जाए फायर के क्वेश्चंस में, तो वो ड्यूरिंग द पॉलिसी एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन एंड एट द टाइम ऑफ लॉस हर टाइम होती है, जबकि मरीन पॉलिसी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट केवल एट द टाइम ऑफ क्लेम ही होता है। उसके बाद आता है इनको टर्म्स, इंटरनेशनल कॉमर्स टर्म्स। ये टर्म्स क्या बताती हैं कि कब से कहां तक किसकी जिम्मेदारी है, किसको इंश्योर करना है, किसको लोड करना है, किसको उसका कैरियर ढूंढना है, ये सारी चीजें कौन बताता है, इनको टर्म्स। देर आर टोटल 11 इनको टर्म्स एंड वी विल बी स्टडिंग ऑल दीज। नेक्स्ट कम्स मरीन क्लोज डिफाइंस द स्कोप ऑफ कवरेज। मरीन क्लोज कौन से होते हैं, ICCA, ITCA, कोल क्लोज, साथ ही अपना वॉर क्लोज, ये सारे क्लोज क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं कि उसमें कवरेज का स्कोप क्या क्या है। अब मरीन कार्गो से जुड़े हुए और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मरीन कार्गो पॉलिसी के कस्टमर कौन होते हैं, यानी जो जो मरीन पॉलिसी ले सकते हैं। फायर पॉलिसी में क्या होता है, जो उसका मालिक होता है वो लेता था इंश्योरेबल इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या है कि क्योंकि जब पॉलिसी असाइन हो सकती है तो जिसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं हो वो भी पॉलिसी ले सकता है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं ले सकते। अब बात करते हैं कौन ले सकते हैं कौन नहीं ले सकते। इंडिविजुअल पर्सन जो उसके ओनर हैं, या बैंक जिसने उसको फाइनेंस किया है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर, ये लोग ले सकते हैं। इंडिविजुअल पर्सन मान लो कोई सामान यहाँ से यहाँ भेज रहा है, इसका चलो इसने एक्स वर्क्स पे कॉन्टेक्ट किया बट ये पॉलिसी ले सकता है, तो एक्स वर्क्स तक इसकी रिस्क रहेगी, उसके बाद में ये पॉलिसी है इसको ये असाइन कर देगा बायर को, तो इंडिविजुअल पर्सन कोई भी ले सकता है। बट जो कैरियर है, ट्रांसपोर्टर है, क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है, कमीशन एजेंट है, ये लोग नहीं ले सकते, इन्हें पॉलिसी लेनी पड़ती है CLL, कैरियर्स लीगल लाइबिलिटी पॉलिसी इन्हें लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं इंश्योरेबल प्रिंसिपल्स की। इंश्योरेबल प्रिंसिपल्स में सबसे पहला आता है अपना इंडेमनिटी। मरीन में इंडेमनिटी प्योर इंडेमनिटी नहीं होती, इसको कॉमर्शियल इंडेमनिटी बोला जाता है। कॉमर्शियल इंडेमनिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो मरीन में जो सम इंश्योर्ड फिक्स किया जाता है वो नॉर्मली होता है वैल्यू प्लस 10%। अभी 10% किसके लिए, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपके यदि हो जाते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो हम एग्जैक्ट उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उसे 10% का प्रॉफिट भी तो देने की बात आ गई। अब 10% का हम प्रॉफिट दें नहीं दें वो बात अलग है, बट इसको हम लोग कॉमर्शियल इंडेमनिटी के रूप में बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ आपने फायर में पढ़ा, सेम वही है कि इंश्योर्ड और इंश्योरर को एवरी चीज को डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी कोई भी मटेरियल फैक्ट छुपाना नहीं होता। इसको दूसरा वर्ड भी यूज किया जाता है ओबेरिमा फिडेई। आपको एग्जाम में जो सवाल आएगा वो ओबेरिमा फिडेई पे ही आएगा कि ओबेरिमा फिडेई कौन सा प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट कम्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट। हमने पहले स्लाइड में बात की थी कि मरीन में इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब चाहिए होता है, एट द टाइम ऑफ लॉस ओनली। पॉलिसी लेते हुए जरूरी नहीं आपको उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, लेकिन जब लॉस हो उस टाइम पे आपको उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट कम सबरोगेशन। सबरोगेशन का क्या मतलब है कि मान लो आपके माल का नुकसान हो गया, तो जैसे इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का क्या रहेगा कि वो चाहेगी कि वो जिस भी कैरियर है, जो भी उसका कमीशन एजेंट है, जो भी ट्रांसपोर्टर है, उसके खिलाफ लीगल केस करे। तो जितने पार्ट का उसने आपको क्लेम पे कर दिया, उतने पार्ट के लिए वो लीगली
राइट्स उसके इंश्योरर के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद इंश्योरर क्या करेगा, इंश्योरर उसके अगेंस्ट में सूट फाइल करेगा रिकवरी राइट्स के अंडर। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन क्लोज। कंट्रीब्यूशन क्लोज क्या कहता है कि यदि मान लो एक ही ऑब्जेक्ट के लिए ये दो पॉलिसी ली हुई है तो दोनों रेटेबल पोर्शन में जितना उनके लिए रेटेबल पोर्शन है उतना ही वो पे करेंगे, ना कि कोई एक कंपनी पूरा पे करेगी। नेक्स्ट आता है प्रोक्सीमिटी क्लोज। प्रोक्सीमिटी क्लोज वही है कि जो इनिशियल इवेंट है जिसकी वजह से दो तीन इवेंट बाद में हुए, तो क्या है कि ये इनिशियल इवेंट कवर होना चाहिए, यदि ये कवर नहीं है तो बाद में जो इवेंट हुए वो कवर नहीं होंगे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये सी में जा रहा था, यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक की वजह से वेव्स ऊपर नीचे हुई और उससे यहाँ पे जो ओशियन वाटर है वो क्या हुआ, वो इस शिप में घुस के इसने कार्गो को डैमेज कर दिया। अब यहाँ पे ओशियन वाटर का डैमेज कवर है, अब अर्थक्वेक कवर नहीं है। इस केस में क्या होगा कि ये वाला जो क्लेम है ये नहीं पेबल होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोक्सीमेट कॉज था वो क्या था, अर्थक्वेक था, वो कवर नहीं है, चाहे उसकी वजह से जो ओशियन वाटर डैमेज हुआ वो कवर हो, बट प्रोक्सीमेट कॉज यानी जो सबसे पहला कॉज जिसकी वजह से एक चेन ऑफ इवेंट्स हैपन हुई वो कवर होना जरूरी होता है। उसके बाद आता है वेसल की कैपेसिटी। वेसल की कैपेसिटी किससे नापी जाती है, जीटी एनटी डीडब्ल्यूटी। जीटी क्या होता है, ग्रोस टनेज। ग्रोस टनेज होता है ये कोई शिप है इसका टोटल वॉल्यूम, ये होता है जीटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसके लिए यूनिट जीटी ही यूज की जाती है। देन आता है नेट टनेज। नेट टनेज होता है मान लो इसमें से इस पोर्शन में इंजन है, क्रू के रूम है, क्रू रहता है, या सारी चीजें होती हैं, केवल इतने इस पोर्शन में क्या होता है कि यहाँ पे आप एक्चुअल में कार्गो को कैरी करते हो, तो ये जो इतना पार्ट है इसका जो वॉल्यूम है उसको बोला जाता है नेट वॉल्यूम। इसको आप ग्रोस वॉल्यूम में से इंजन रूम का, क्रू रूम का, उन सब का वॉल्यूम माइनस करके भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है डीडब्ल्यूटी। डीडब्ल्यूटी होता है डेड वेट टनेज। डेड वेट टनेज क्या होता है, ये जो शिप है इसकी एक्चुअल कितना लोड कैरी करने की कैपेसिटी है, यानी इस पर यहाँ पे कितना सामान भर दें जिससे कि ये पानी में ना डूबे, इसको हमेशा केजी में दिया जाता है, जबकि ग्रोस टनेज और एनटी यानी नेट टनेज की कोई यूनिट नहीं होती, इनको जीटी और एनटी में ही दिया जाता है। अब बात करते हैं हम क्लोजेस की, कि कौन से क्लोज में क्या क्या कवरेज होता है। सबसे पहले अपना आता है इंस्टीट्यूट कार्गो क्लोज सी। कार्गो क्लोज सी होता है जिसमें लिस्ट कवरेज होता है, ए होता है जिसमें कि मोस्ट कवरेज होता है। अब सी जो कार्गो इंस्टीट्यूट कार्गो क्लोज वो किसके लिए अप्लाई होते हैं, मरीन ट्रांजिट के लिए। अब मरीन ट्रांजिट में सी में क्या क्या कवर होता है, फायर की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से, लॉस ड्यू टू वेसल ग्राउंडेड स्ट्रेंड संक कैपसाइज, यानी इनमें से कुछ भी हो गया ना तो उसकी वजह से यदि कोई नुकसान होता है कार्गो को, यानी ये जो लॉस है ये हो रहे हैं वेसल को, जैसे ग्राउंडेड वेसल होगा स्ट्रैंड फंस भी वेसल जाएगा, डूब भी वेसल जाएगा, कैप्साइज भी वेसल को किया जाएगा, बट इन दीज केसेस यदि कार्गो को कोई नुकसान होता है, मान लो ये ग्राउंडेड हो गया और इस केस में कार्गो नुकसान नहीं हुआ तो वो पे नहीं होगा। ओनली वेसल का ये कंडीशन होनी चाहिए, साथ ही साथ कार्गो भी डैमेज होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कोलिजन विद एनी अदर ऑब्जेक्ट अदर देन वाटर। पानी के अलावा पानी में चलते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा गई, मान लो ये अंडरग्राउंड जो अंडर वाटर रॉक्स हैं उससे ये शिप टकरा गई और उसकी वजह से इस शिप को डैमेज हो गया, जिससे कि जो नीचे बेसमेंट में जो कार्गो था उसे डैमेज हुआ, तो वो पेबल है। बट यदि मान लो वाटर की वजह से कोई डैमेज हुआ तो वो कोई डैमेज कवर नहीं है। ओवर ट्रेनिंग डीरेलमेंट ऑफ लैंड कन्वेंस। अब 60 दिन तक ये यहाँ पे पोर्ट पे उतरने के बाद रोड या रेल से जाता है। इस केस में भी मान लो रोड पे उसका पलटी खा जाए या रेल पे पटरी से उतर जाए, उस केस में भी वो कवर होता है। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज ऑफ कार्गो एट पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है कि मान लो ये यहाँ पे है, ये शिप को यहाँ तक जाना था, अब लेकिन क्या हुआ यहीं पे शिप को कुछ डैमेज हो गया, शिप को इस वाले पोर्ट पे लेके जाना पड़ गया, इसको बोलते हैं पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, जहाँ पे मान लो शिप को रिपेयर किया जा रहा है। अब शिप को रिपेयर करने के लिए हो सकता है पूरे कार्गो को अनलोड किया जाए, उसको कहीं स्टोर करके रखा जाए, उसके बाद में उसे फॉरवर्ड किया जाए वापस लोड करके, तो ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं एट द पोर्ट ऑफ डिस्ट्रेस वो भी पेबल होंगे। बट पोर्ट ऑफ डिस्ट्रेस पे जो रीजन होनी चाहिए इसके लिए वो होनी चाहिए इंश्योरेबल। ऐसा नहीं है कि शिप खराब हो गया बस कवर है, यदि शिप पे कोई इंश्योर्ड पेरिल ने काम किया है और वो पोर्ट ऑफ डिस्ट्रेस पे गई है तो ही कवर है। उसके बाद में कवर होते हैं जनरल एवरेज, साल्वेज चार्जेस, शू एंड लेबर चार्जेस, लॉस मिनिमाइजेशन एक्सपेंसेस। ये सारी चीजें अपने जब क्लेम्स पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। लॉस मिनिमाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं,
लॉस मिनिमाइजेशन एक्सपेंसेस तब भी पेएबल हैं जब हमने कुछ भी मिनिमाइज नहीं किया। जैसे फायर में एलओपी पॉलिसी में क्या है कि लॉस मिनिमाइजेशन जो एक्सपेंसेस होते हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस कहीं दूसरी जगह काम करने के, वो तभी पेएबल होते हैं यदि उससे हमें कुछ प्रॉफिट मिलता है। बट मरीन में क्या होता है, लॉस मिनिमाइजेशन एक्सपेंसेस तब भी दिए जाते हैं जब यदि आपका कोई नुकसान हो गया हो। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूट कार्गो क्लोज बी। कार्गो क्लोज बी में क्या है, जो सी में कवर है वो तो सारा कवर है ही है, साथ में अर्थक्वेक कवर है, वोल्केनिक इरप्शन कवर है, लाइटनिंग कवर है, वॉशिंग ओवरबोर्ड कवर है। नेक्स्ट साथ में रिवर और सी वाटर यदि वेसल में पहुंच जाए, मान लो ये कोई वेसल समुद्र में चल रही है, किसी भी वजह से इसका पानी इसके अंदर आ गया, तो क्या होगा कि ये वाला कवरेज, इसकी वजह से कार्गो को डैमेज हुआ तो वो कवर पेएबल होगा। नेक्स्ट कम्स टोटल लॉस ऑफ पैकेज वाइल लोडिंग अनलोडिंग। इस शिप में लोड करते हुए या इसे अनलोड करते हुए कोई भी पैकेज मान लो यहाँ गिर गया और उसकी वजह से इसका टोटल लॉस हो गया, तो वो आईसीसी बी कवरेज भी आपने लिया हुआ है तो भी वो कवर है। उसके बाद आता है अपना आईसीसी ए। अब आईसीसी ए में क्या होता है, मोटा मोटा सारे कवरेज मिल जाते हैं जो कि हमने बी और सी में दिए हैं। बट इसको वैसे तो हम आईसीसी ए को ऑल रिस्क बोलते हैं, बट ऑल रिस्क की कोई डिफरेंस नहीं होती, तो बी और सी में जो कवरेज है उनके अलावा कुछ और कवरेज बच जाते हैं जिनके एग्जाम्पल अभी अपने ले लेते हैं। ये सारे भी इसमें कवर होते हैं, थेफ्ट कवर होता है, विलफरेज कवर होता है, नॉन डिलीवरी कवर होता है। इन सब में क्या है, कैरियर का रोल हो सकता है, ये आईसीसी में है। उसके बाद इन सब में भी कैरियर का रोल हो सकता है कि उसने गुड्स को कैसे रखा, डैमेज बाय हुक्स, ऑयल, मड, एसिड एक्सेट्रा। नेक्स्ट कम्स फ्रेश वाटर एंड रेन वाटर डैमेज। हमने पिछले क्या बात की थी कि आईसीसी बी में इसके अंदर यदि ओशन का पानी घुसेगा तो ही कवर होगा, बट आईसीसी ए में क्या, ऊपर से मान लो बारिश आ गई और इसके अंदर पानी घुस गया तो वो भी कवर है। हीटिंग, स्वीटिंग या किसी दूसरे कार्गो की वजह से कोई नुकसान हो गया, मान लो ये कार्गो पड़ा हुआ है, ये डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से, पड़ोस में जो कार्गो पड़ा था उसको डैमेज कर गया, तो ये वाला आईसीसी ए में कवर है, बी और सी में ये कवरेज नहीं है। अब ये तो हो गई बात, अब बात आती है एक्सक्लूजन्स की, क्या क्या कवर नहीं है। आईसीसी ए में कुछ पर्टिकुलर एक्सक्लूजन है, आईसीसी बी में क्या है, जो ये पर्टिकुलर एक्सक्लूजन है इन एडिशन टू ए, यानी जो ए में कवर है वो बी में नहीं है, जो बी सी में क्या है कि जो ए और बी में कवर है वो कवर नहीं है, साथ ही साथ ये जो एक्सक्लूजन्स हैं ये तो सब में ही कवर नहीं है। सबसे पहला आता है विलफुल मिस डिसकंडक्ट ऑफ इंश्योर्ड, यानी इंश्योर्ड ने जानबूझ के कुछ कवड़ा किया हो तो वो कवर नहीं होगा। ऑर्डिनरी लीकेज क्या होता है, जैसे मान लो आपके रबड़ का ये स्टोरेज है तो इसमें से हल्का बहुत मान लो इसका कोई लिक्विड है वो हल्का हल्का लीक होता है, तो ऑर्डिनरी लीकेज है, यानी वो इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, वो कवर नहीं होगी। लॉस इन वेट, मान लो आप यहाँ पे टिम्बर लोड करके ले जा रहे हो, टिम्बर का हो सकता है जैसे जैसे वो ड्राई होगी थोड़ा बहुत उसका वजन कम हो सकता है, वो कवर नहीं होगा। वियर एंड टियर कवर नहीं होगा। नेक्स्ट कम्स लॉस ड्यू टू इनएडिक्वेट पैकिंग, ये आपने मान लो गुड्स थे आपने इनको ढंग से पैक नहीं किया और इसकी वजह से इसका नुकसान हो गया तो वो कवर नहीं होगा। बट आईसीसी में अभी एक न्यू चीज आई है कि यदि पैकिंग है वो कैरियर करता है तो उस केस में ये वाला पॉइंट डिलीट हो जाएगा। ये वाला तभी अप्लाई होगा यदि जो पैकिंग है वो किसके द्वारा की गई है, इंश्योर्ड के द्वारा की गई है। नाउ नेक्स्ट कम्स इनहेरेंट वाइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब जैसे अभी हमने बात की बहुत से सब्जेक्ट होते हैं ना उनकी इनहेरेंट वाइस होती है, यानी कि उनकी जो खुद की प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि खुद डैमेज कोज कर सकती हैं, तो वो वाली हमें यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। साथ ही साथ अपना जो नेक्स्ट है वो आता है यदि मान लो जो अपना कैरियर है वो बैंकक्रप्ट हो गया या दिवालिया हो गया। अब कैरियर ही जब दिवालिया हो गया तो उस केस में जरूरी नहीं है वो सामान को आगे पहुंचाए, वो हो सकता है सामान को रस्ते में फेंक दे, कुछ भी कर सकता है, उस केस में भी कवरेज इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी। नेक्स्ट कम्स वार एंड स्ट्राइक पेरिल्स, यानी स्ट्राइक, रायोट, सिविल कम्यूटेशन, ये सारी चीजें पॉलिसी में कवर नहीं है बट इनको आप एज अ एड ऑन ले सकते हो, वार, स्ट्राइक, रायोट, सिविल कम्यूटेशन पेरिल्स को। लॉस और डैमेज एक्सपेंसेस अप्रोक्सीमेटली कॉज्ड बाय डिले, अब डिले की वजह से कुछ हुआ, मान लो ये कोई शिप थी इसमें वेजिटेबल्स भरी हुई थी, इसको यहाँ पे 3 दिन में पहुंचना था, ये 8 दिन में पहुंची, तो क्या होगा जितनी भी वेजिटेबल्स थी सारी सड़ गई, वो कवर नहीं होगा। दूसरा है, मान लो यहाँ पे कुछ था इंडस्ट्री का प्रोडक्ट था, ये यहाँ पे 5 दिन में पहुंचना था, ये 15 दिन में पहुंचा, इंडस्ट्री 10 दिन बंद रह गई, वो लॉस ड्यू टू डिले है वो कवर नहीं होगा। नेक्स्ट कम्स पायलट अटैकिंग शिप फ्रॉम द शोर, ये मान लो ये जहाज है, अब यहाँ पे ये किनारा है तो यदि पायलट्स ने यदि यहाँ से अटैक किया तो वो कवर नहीं होगा। यही पायलट मान लो ये पूरा समुद्र है, यहाँ पे शिप है, यहाँ पे पायलट्स हैं
और ये यहां से अटैक करते हैं तो ये वाला कवर मिलता है। नाउ नेक्स्ट कम्स, कवर कब से कब तक मिलता है? बेसिकली जो कवरेज होता है मैरीन में वो स्टार्ट होता है शिफ्टिंग ऑफ गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट। मान लो ये आपने गुड्स थे, इनको आपने क्या किया, यहाँ पे आप वेयर हाउस के गेट पे ले आए कि भाई अब हमें इन्हें गाड़ी में लोड करना है या ट्रांसपोर्ट करना है, तब से रिस्क चालू हो जाएगी। रिस्क कब तक रहेगी? या तो जहाँ पे फाइनली जिस गोडाउन में गुड्स को पहुँचाना है वहाँ पे अनलोड कर दिए, या फिर कहीं दूसरी जगह क्या किया कि कस्टमर ने कोई दूसरा गोडाउन था बीच में जहाँ से कि उसको इधर उधर सामान भेजना, उसने वहाँ पे उनको ले लिए उस केस में। या तीसरा केस है कि मान लो जैसे ये गुड्स, ये यहाँ पे ये जहाज था, इससे इस पोर्ट पे उतरे, अब ये पोर्ट पे उतरने के 60 दिन बाद तक, यानी मैक्सिमम 60 दिन तक, अब उसके बाद आप 60 दिन में उनको ट्रांसपोर्ट करते हो नहीं करते हो। अब इन दिस केस मान लो सपोज ये यहाँ पे पोर्ट पे उतरे, उतरने के बाद में ये 60 दिन तक अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे, मिडवे ही रह गए, तो भी कवर 60 डेज पूरे होते ही टर्मिनेट हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि मान लो यहाँ पे आपको गुड्स को जाना था जापान और पहुंच गए अमेरिका, इस केस में क्या होगा? आपने इंश्योरेंस लिया था जापान के लिए, अब आप जा रहे हो अमेरिका, तो क्या करेंगे? इसके लिए यदि इंश्योर्ड यदि इंश्योरर को प्रॉम्प्ट नोटिस दे दे, साथ ही साथ उसके लिए एडिशनल प्रीमियम दे दे, तो हम इसको अमेरिका जाने के लिए भी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स इंस्टीट्यूट कार्गो क्लोज एयर। एयर के अब आप इस नाम से समझ सकते हैं, इंस्टीट्यूट कार्गो क्लोज एयर किस में काम में आते हैं? इंस्टीट्यूट कार्गो क्लोज एयर काम में आते हैं जब कोई भी कार्गो का मूवमेंट होता है वो एयर ट्रांजिट से होता है। अब तक हमने इंस्टीट्यूट कार्गो क्लोज किससे पढ़े थे? मरीन, यानी जो अपना जो शिप से जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए हमने अब तक पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे एयर के। अब एयर ट्रांजिट में क्या होता है? सारा कवरेज मिलता है एज पर आईसीसी ए इन मरीन, यानी ऑल रिस्क ही दिया जाता है। जैसे अपना मरीन में क्या होता है, तीन ऑप्शन है सी बी और ए, यहाँ पे ओनली एक ही ऑप्शन है ए का, यानी आपको सारा कवरेज दिया जाएगा। बस इसमें एक डिफरेंस है, इसमें जनरल एवरेज और साल्वे चार्जेस नहीं होते। सेकेंडली यहाँ पे क्या है कि जो एयर कार्गो के लिए जो ये 60 दिन की जो हमने लिमिट पड़ी थी ना, यहाँ पे 30 दिन की हो जाती है। ये एयरपोर्ट पे यहाँ पे सामान उतरा इस हवाई जहाज से, इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद ये 30 दिन में इसको आपको जहाँ पहुँचाना है पहुँचा दो भैया, 31वें दिन इंश्योरेंस कंपनी का कवरेज नहीं रहेगा। तो आप ये टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इंस्टीट्यूट कार्गो क्लोज एयर में जो टाइम लिमिट है वो 30 डेज है आफ्टर अनलोडिंग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, जबकि मरीन में कितनी है? मरीन में है 60 डेज आफ्टर अनलोडिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट। नाउ इसके बाद क्या आता है? ये आते हैं ट्रांजिट क्लोज। अब सबसे पहले वही सेम इसमें चलता है, सी सबसे लेस और ए मोस्ट। अब सी में क्या कवरेज होता है? सी में इंस्टीट्यूट ट्रांजिट क्लोज सी में ओनली कवरेज मिलता है आपको फायर और लाइटनिंग के लिए, देर इज नो अदर कवरेज। जैसे कि अपने मरीन में बहुत सारे कवरेज थे, ओवरटर्निंग का, डिजेलमेंट का, वो सारे कवरेज थे, वो सब ट्रांजिट के सी में नहीं होते। यहाँ पे आपको ओनली फायर और लाइटनिंग की वजह से कोई लॉस होता है तो वो मिलता है। अब बी में क्या होता है? बी में फायर लाइटनिंग तो है ही, साथ ही साथ ब्रेकेज और ब्रिज, यान लो मान लो कोई पुल टूट गया, एक्सीडेंट विथ और बाय द कैरिंग व्हीकल, जो गाड़ी जा रही है उसका एक्सीडेंट हो गया, वो पलटी खा गई, डिरेलमेंट हो गया रेल वैगन का, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। यानी कि इसमें जो कैरिंग व्हीकल है उसका यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कवर मिलता है। उसके बाद बात आती है ए की। ए में तो जैसा हम पढ़ ही चुके हैं अब तक मरीन और एयर में, ए में तो सब कुछ कवर है एक्सेप्ट सम एक्सक्लूजन्स। अब बात करते हैं एक्सक्लूजन्स की, कि एक्सक्लूजन्स क्या क्या है। लॉस डैमेज ड्यू टू विलफुल मिसकंडक्ट, यानी जानबूझ के जो गलती की जाती है वो, ऑर्डिनरी इनवर्टेबल लॉसेस, जो हमने बताया था कि जो बिल्कुल ऑर्डिनरी लॉसेस हैं जो कि होंगे, जैसे रबड़ में ऑर्डिनरी लीकेज होगा, टिम्बर में ऑर्डिनरी उसका वेट लॉस होगा, ये सारी चीज़ें तो कवर हैं। लॉस कॉज बाई इनसफिशियंसी ऑफ पैकिंग, जैसे आपने मरीन में बात की थी, मान लो ये कोई गुड्स है, इसको यदि आपने सही से इसको पैक नहीं किया, इन दिस केस यदि जो अनपैकिंग की वजह से, जो अच्छी पैकिंग नहीं हुई उसकी वजह से लॉस है, वो कवर नहीं होगा। बट सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है, यदि पैकिंग है वो कैरियर ने की है तो मैटर नहीं करता कैसी पैकिंग है, यदि इंश्योर्ड ने पैकिंग की है या उसकी नॉलेज से पैकिंग हुई है, ओनली इन दैट केस क्लेम इज नॉट पेएबल फॉर इनसफिशियंट पैकिंग। नेक्स्ट आता है लॉस कॉज बाय डिले। हमने वो पढ़ा अभी मरीन में, मान लो ये कहीं कोई जाम लग गया, जाम लगने की वजह से क्या है कि ये गुड्स फंस गए, 15 दिन बाद पहुंचे और उसकी वजह से गुड्स अंदर के अंदर ही छिड़ गए, तो लॉस कॉज बाय डिले है वो कवर नहीं होगा, जो यहाँ पे जो इंश्योर्ड पेरिल्स हैं वो काम करनी चाहिए।
इनहेरेंट वाइस और नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यदि मान लो कोई सब्जेक्ट मैटर उसका खुद का इनहेरेंट वाइस है, जैसे हमने फायर कवर किया है, अब कोल में खुद में ही आग होती है, हीट होती है, और कोल में खुद से आग लग गई तो वो क्या चीज़ है, वो कवर नहीं होगी आईटीसी ए में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कोल क्लोज अलग से एंडोर्स करवाना पड़ेगा। एनी लॉस ड्यू टू वार पेरिल्स एंड एसआरसीसी पेरिल्स, वार और स्ट्राइक रायोट सिविल कम्यूटेशन की वजह से कोई लॉस होता है वो यहाँ पे पेएबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, और भी बहुत सारे क्लोजेज हैं। सबसे पहले आता है अपना इंस्टीट्यूट वार क्लोज। ये एक्सक्लूजन है सब में, मरीन में, एयर में, रोड ट्रांजिट में, सब में ये एक्सक्लूजन है। ये मैरीन और एयर के लिए हम वार क्लोज को एज अ एड ऑन दे सकते हैं। ये किसके अगेंस्ट में कवर देगा, वार, सिविल वार, रिवॉल्यूशन, रेबेलियन, कैप्चर, सीजर, अरेस्ट, डिटेनमेंट ड्यू टू वार लाइक कंडीशन। अब कैप्चर, सीजर, वार लाइक कंडीशन में कैसे होता है, एक तो होते जो पायलट्स होते हैं वो आपके जहाज को अगवा कर लेते हैं, दूसरा होता है जब यदि मान लो इंडिया और पाकिस्तान में कोई वार जैसी कंडीशन हो रखी है, उसमें क्या करेंगे पाकिस्तान वाले, इंडिया की मान लो कोई जो वेसल्स हैं वो पाकिस्तान के पास से निकल रही हैं, उन्हें वो पकड़ के रख लेंगे, बोले भैया आप हमारी ये वाली कंडीशन पूरी करो वार में, वरना हम तो आपके इनको रख लेंगे। नेक्स्ट आता है अबंडेंट माइंस या टॉर्पेडोज, बॉम्ब्स और अदर वेपन्स ऑफ वार। यदि मान लो कोई वार के कोई वेपन्स हैं जो अंडर वाटर पड़े हुए हैं और उनकी वजह से यदि कोई डैमेज होता है तो वो भी पेबल होता है। इसमें जनरल एवरेज और साल्वे चार्जेस भी पेबल होते हैं टू अवॉइड एनी पेरिल। मान लो सपोज ये कोई वेसल है जिसमें क्या है कि अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो गई, अब ये ईरान का एक पैकेज है जो इस वेसल में जा रहा है, तो अमेरिका वाले क्या कहेंगे, भैया इस वेसल को तो हम नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि इसमें अमेरिका वाला ये ईरान वाला पैकेट पड़ा हुआ, तो ईरान वाले पैकेट को क्या करेगा, शिप वाला इसको नीचे फेंक देगा, कहेगा सर देखो हमारी शिप में ईरान का पैकेट नहीं है, हमें जाने दो। वो हो गया जनरल एवरेज। दूसरा साल्वेज चार्जेस में क्या करेगा कि वो इसको मिनिमाइज करने के लिए कोई दूसरा रूट लेगा, सारी चीजें करेगा, तो उसमें यदि मान लो कोई लॉस हो गया तो वो भी कवर है। नेक्स्ट कम चार्जेस इनकर्ड टू अवॉइड टू मिनिमाइज लॉसेस एंड प्रिजर्व रिकवरी राइट। ये हमने बताया एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करने के लिए जो भी लॉसेस होते हैं वो यहाँ पे पेएबल होते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, मरीन क्लोज में क्या होता है कि वो 60 दिन तक रोड पे कवर करता है, एयर में क्या करता है 30 दिन तक रोड पे कवर करता है, बट यदि आप वार क्लोज लगा रहे हो तो जो वार की पेरिल्स हैं वो केवल या तो वो वाटर बोर्न हो यानी पानी में जहाज हो, या फिर वो एयर बोर्न हो यानी हवा में हवाई जहाज हो, ओनली उसी केस में होगा। साथ ही साथ जैसे ही वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा उसके 15 दिन बाद तक ही कवरेज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे जहाज को 2 महीने तक खड़ा किया हुआ पोर्ट पे तो वो नहीं चलेगा, मैक्सिमम 15 डेज तक ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है यदि मान लो ट्रांसशिपमेंट हो, यहाँ से आपको एक शिप से उतार के रस्ते में किसी दूसरी शिप में डालने, उस टाइम पे क्या होगा, गुड्स तो शिप से नीचे आ गए। अब यदि इन गुड्स को दूसरी शिप में 15 दिन में लोड नहीं किया गया, इन दैट केस में क्या होगा, जो कवर है वो सस्पेंड हो जाएगा यानी ऑन होल्ड हो जाएगा, और ये कवर दोबारा कब अटैच होगा, जब दूसरे वाले इस वेसल में लोड होके ये पानी में पहुंच जाएगा तभी ये वापस कवर होगा। नेक्स्ट कम्स एसआरसीसी। एसआरसीसी क्लोज कौन सा होता है, लॉस ड्यू टू स्ट्राइकर्स जो हड़ताल करने वाले हैं, दंगे करने वाले हैं, या कोई सिविल कम्यूटेशन यदि भड़क रहा है। साथ ही साथ जो वर्कमैन है यदि वो किसी लेबर डिस्टरबेंस में पार्ट करते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि जो लेबर है वो पूरी पूरी फैक्ट्री को आग लगा देती है, या यदि मान लो किसी शिप पे उसका जो वर्कमैन है, जो उसका क्रू है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हड़ताल कर दी और उन्होंने जो भी केयर थी उसको यूज करना छोड़ दिया। अब इसमें क्या है, क्या कवर नहीं है, लॉस अराइजिंग ड्यू टू शॉर्टेज अब्सेंस ऑफ लेबर ड्यू टू स्ट्राइक। अब मान लो सारे लेबर तो क्या चलेगी, हड़ताल करने चलेगी, अब कार्गो का ध्यान कौन रखेगा, कोई नहीं। तो अब यदि कार्गो को लॉस हो गया ड्यू टू शॉर्टेज और अब्सेंस ऑफ लेबर तो क्या होगा, ये वाली चीज कवर नहीं होगी। लॉस ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ वॉइस आर नॉट कवर्ड। अब वॉइस ऐसे केस में कंप्लीट होना भी बहुत मुश्किल है, तो जो फ्रस्ट्रेशन ऑफ वॉइस है उसकी वजह से जो लॉसेज हुए हैं वो कवर नहीं होंगे। अब एसआरसीसी क्लोज में कितने दिन की लिमिट होती है, सेम जैसे कि मरीन क्लोज में थी, आईसीसी में 60 डेज की थी फ्रॉम द डिस्चार्ज, और एयर में कितनी थी 30 दिन फ्रॉम द डिस्चार्ज फ्रॉम एयरपोर्ट, और रोड में क्या थी 7 डेज। ये रोड वाला हमने पॉइंट वहां से मिस कर दिया है, मैं आपको बताता हूँ रोड में क्या होता है, 7 डेज की लिमिट किस पे होती है। हमने मरीन में पढ़ी थी 60 डेज जब ये पोर्ट पे उतर जाए वहां से 60 दिन, एयर में क्या थी एयरपोर्ट पे हवाई जहाज पहुंच जाए वहां से 30 दिन। अब क्या रोड और रेल तो बिल्कुल उस वेयर हाउस तक जाती है, इस केस में क्या होगा, यदि रेल से ज्यादा है तो जो उसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वहां पहुंचने के बाद 7 डेज,
और यदि ये मान लो अपनी बस ट्रक से ज़्यादा है तो उस केस में क्या है कि जो सिटी है उस सिटी की जो बाउंड्री लिमिट्स हैं उसमें पहुंचने के 7 दिन बाद तक हमारा कवरेज यहाँ पे होगा। अब SRCC में क्या है, टेररिज्म कवर को भी कवर किया जा सकता है, बट ये ओनली ट्रांजिट के लिए होगा। जो ये 60 दिन, 30 दिन, 7 दिन, ये जो दिन है इनके लिए ये नहीं रहेगा। जब तक ट्रांजिट चलेगा तब तक ही टेररिज्म रहेगा। यदि आपने गुड्स आपके कहीं लोडिंग के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सॉर्टिंग के लिए कहीं भी रखे हुए हैं तो उस केस में कवरेज टेररिज्म का नहीं मिलेगा। अब आते हैं ट्रेड क्लोजेस। ट्रेड क्लोजेस क्या है, पर्टिकुलर किसी किसी ऑब्जेक्ट के लिए उसकी पर्टिकुलर जो क्वालिटी है उसको कवर करने के लिए हम लोग ये क्लोज लगाते हैं। पहला आता है इंस्टीट्यूट कॉल क्लोज। इंस्टीट्यूट कॉल क्लोज में जो कवरेज है वो सेम एज ICC B है, यानी कि उसमें थेफ्ट वगैरह जो डैमेज बाई हुक्स वगैरह वो कवर नहीं है, बट इसमें एक एडिशनल कवर मिल जाता है। एडिशनल कवर कितना किसका मिलता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कॉइल एंड इनहेरेंट वाइस। जैसे हमने आपको बताया था कॉइल में तो खुद को ऑटोमेटिक आग लगने का और उसमें स्पॉन्टेनियस कंबशन की प्रॉपर्टी होती है, उसको कवर करने के लिए इंस्टीट्यूट कॉल क्लोज दिया जाता है। अब कॉल क्लोज में लिमिट क्या होती है, कॉल क्लोज में गुड्स अप टू 60 डेज आफ्टर अनलोडिंग एट द पोर्ट कवर है, सेम जैसे कि ICC में कवर है, जो टाइम लिमिट है वो सेम है। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूट फ्रोजन फूड क्लोज। फ्रोजन फूड क्लोज क्या है कि जो जैसे मैंने आपको बताया वेजिटेबल्स हैं, फ्रोजन फूड है, शिप वगैरह हैं, ये भी मरीन से बहुत ज़्यादा ट्रांजिट होती हैं, तो ये क्या कहते हैं कि शिप पे कोल्ड स्टोरेज बना हुआ होता है उसमें जाती हैं। अब यदि वो कोल्ड स्टोरेज है उसकी मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया किसी इंश्योर्ड पेरिल की वजह से, अब ये इंश्योर्ड पेरिल है इसने डैमेज कर दिया, तो उसकी वजह से क्या है कि जो लॉस हुआ इनका फूड आइटम्स का वो हम लोग कवर करेंगे। इसमें एक लिमिट है कि ओनली ये कब तक कवर है, 5 दिन आफ्टर पोर्ट डिस्चार्ज, जैसे पोर्ट पे पहुंचा उसके 5 दिन बाद तक की रिस्क है। जैसे नॉर्मल मेरीन में 60 दिन की होती है, यहाँ पे पोर्ट पे पहुंचने बाद 5 दिन में पहुंच गया तो पहुंच गया, उसके अलावा कुछ कवरेज नहीं होगा। इसमें जो ICC B की जो है वो तो कवरेज है, साथ ही साथ ये MBD का डैमेज होने की वजह से टेम्परेचर चेंज से जो फूड का नुकसान होता है वो एक एड ऑन है। नेक्स्ट आता है अपना इंस्टीट्यूट जूट क्लोज। जूट क्लोज दिया जाता है स्पेसिफिकली जूट के लिए, कवरेज नियरली जितने भी ट्रेड क्लोज है सब में ICC B ही दिया जाता है। इसमें जूट का ऑर्डिनरी लीकेज और डिलीवरी डैमेज टू कार्गो कवर है, ये स्पेशल चीज़ है, केवल जूट में डिलीवरी डैमेज टू कार्गो कवर है, क्योंकि जूट को कई बार क्या होता है जानबूझ के भी उसे कुछ डैमेज करना पड़ता है बचे हुए जूट को बचाने के लिए। ये कवर कब अटैच होता है, जूट जब ऑन बोर्ड जाता है। नॉर्मली क्या होता है जब वेयर हाउस से ट्रांजिट होता है तब से कवरेज स्टार्ट हो जाता है, बट जूट में क्या है जैसे ये शिप के ऊपर लोड होगा तब से कवरेज स्टार्ट होगा, और जब ये पोर्ट के ऊपर यहाँ से शिप से यहाँ अनलोड हो गया उसके बाद कवरेज मरीन में होता है 60 दिन, बट जूट क्लोज में कवरेज कितने दिन का होता है, जूट में केवल कवरेज होता है 30 दिन का। नेक्स्ट अपना आता है टिम्बर क्लोज। टिम्बर क्लोज होता है कि ये जहाज के ऊपर लकड़ियां रख के ले जाने के लिए। अब टिम्बर क्लोज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, वॉशिंग ओवरबोर्ड, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि जो इसका बोर्ड है इसके ऊपर फ्रीली वुड्स को लोड किया जाता है। अब इनके क्योंकि वुड बहुत हल्का आइटम होता है तो इसका वॉशिंग ओवरबोर्ड का पानी की वजह से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इन दिस केस दिस स्पेशल इज गिवन इन एडिशन टू ICC B। नेक्स्ट आता है थेफ्ट और नॉन डिलीवरी। थेफ्ट और नॉन डिलीवरी क्योंकि बी में कवर नहीं है, टिम्बर क्लोज में नॉन डिलीवरी और थेफ्ट को भी कवर दिया गया है इन एडिशन टू ICC B। अब अपने आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है अपना बल्क ऑयल क्लोज। बल्क ऑयल क्लोज क्या है कि जो बल्क ऑयल कैरियर्स होते हैं उनके अंदर ये पूरा ये टैंकर है, इसमें कंपार्टमेंट बना के इसमें पूरे में ऑयल बिल्कुल भर के ले जाते हैं, कोई ड्रम्स में ऑयल नहीं जाता है। इसके लिए कवरेज किस में दिया जाता है, बी में। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या, किस चीज़ की रिस्क है, इसमें मान लो आप लोड कर रहे हो या इसे निकाल रहे हो उस टाइम पे क्या होता है कि लीकेज हो सकता है। मान लो ऑयल आपका पाइप कहीं निकल गया, कहीं बीच में से पाइप टूट गया तो लीकेज हो सकता है, वो इसमें कवरेज है। साथ ही साथ अब मान लो कि ये जो है कि इसके अंदर क्या हुआ, कंटामिनेशन हो गया किसी भी वजह से, कंटामिनेशन इसको लोड अनलोड करते हुए मान लो कोई लेबर ने कोई थोड़ा बहुत भी नेग्लिजेंस कर दिया उसकी वजह से हो सकता है। साथ ही साथ मान लो जब ये बैड वेदर में आ गया तो वहाँ पे वेदर की वजह से भी इसको कंटामिनेशन हो सकता है, वो यहाँ पे कवर है। इसमें क्या है कि वेयर हाउस टू वेयर हाउस नहीं, इसमें टैंक टू टैंक कवर है, यानी कि यहाँ पे टैंक से लेके टैंक में लोड होने से लेके और यहाँ पे टैंक से उतारने तक का ही कवरेज इसमें मिलता है। नेक्स्ट आता है टाइम लिमिट। जब पोर्ट पे पहुंचने के बाद कितने दिन की टाइम लिमिट है, 30 दिन की। नेक्स्ट कॉफी पैकेज पॉलिसी।
बेसिकली ये कॉफी पैकेज पॉलिसी एक मेडिन में ही एक स्पेशल टाइप की पॉलिसी है जो कॉफी के जो ओनर्स होते हैं, जो कॉफी के बाग लगाते हैं, उन्हें दी जाती है। इसमें चार टाइप की पॉलिसी होती है। पॉलिसी ए में क्या होता है, फुल पैकेज कवर होता है, सब कुछ कवर है, जिसमें विद 120 डेज ऑफ स्टोरेज कवर। ये आप इंपॉर्टेंट, इनकी ये डेज की लिमिट सबकी याद रख लेना, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। टाइप टू कवरेज में क्या आता है, जब कॉफी को तोड़ा जाता है वहां से लेके क्यूरिंग हाउस तक पहुंचने तक का कवरेज दिया जाता है, जिसमें कि क्या होता है 60 डेज का स्टोरेज दिया जाता है, कहाँ पे, क्यूरिंग हाउस में। नेक्स्ट आता है टाइप थ्री कवरेज। टाइप थ्री कवरेज में क्या है कि इसके बाद वाली पॉलिसी स्टार्ट होती है, क्यूरिंग हाउस से स्टार्ट होती है और क्यूरिंग हाउस से स्टार्ट होकर फ्री ऑन बोर्ड पे पहुंच जाती है। इसमें भी कितने दिन का है, 60 डेज का स्टोरेज है। 60 डेज का स्टोरेज इसमें कहीं भी मिडवे हो सकता है। नेक्स्ट आता है टाइप फोर कवरेज। टाइप फोर कवरेज में क्या होता है, पॉलिसी कहाँ से स्टार्ट होती है, क्यूरिंग हाउस से, यानी टू के बाद से स्टार्ट होती है। बट जैसे इसमें फ्री ऑन बोर्ड हो जाता है, बट इसमें क्या होता है, डिलीवरी पॉइंट जो भी कहीं भी नाम दिया गया है, इन सब में कितनी ही अपनी स्टोरेज है, 60 डेज है। बट यदि टाइप वन कवरेज लेते हो तो उसमें फुल पैकेज पॉलिसी है, उसमें कवरेज कितना है, 120 डेज का। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो कॉफी पैकेज पॉलिसी है वो केवल इनलैंड ट्रांजिट, यानी केवल इंडिया इंडिया का ट्रांजिट ही कवर करती है। तो इंडिया का ट्रांजिट कवर करेगी, उसके लिए क्या, इंडिया में भी शिप से तो इंटर स्टेट होता नहीं ट्रांसफर, इसमें कवरेज कौन सा होगा, एज पर आईटीसी। आईटीसी में कौन सा कवरेज देंगे, आईटीसी ए, यानी ऑल रिस्क कवरेज दिया जाता है। अब कॉफी का प्रोसेस क्या होता है, कॉफी कैसे बनती है, कॉफी का होता है पहले तो उसको एस्टेट से प्लग किया जाता है, यानी तोड़ा जाता है, उसके बाद उसको पल्पिंग और ड्राइंग का प्रोसेस होता है पल्पिंग हाउस में, उसके बाद होता है उसकी प्रोसेसिंग होती है क्यूरिंग हाउस में। अब क्यूरिंग हाउस से कहाँ जाती है, या तो स्टोरेज गोडाउन में, या जाती है डिलीवरी पॉइंट में। ओके, नेक्स्ट आती है कार्डामम स्टेट के लिए पैकेज पॉलिसी सेम कॉफी जैसे दी जाती है। टाइप वन कवरेज में क्या देते हैं हम, फुल पॉलिसी 120 डे स्टोरेज कवर। टाइप टू में हम लोग क्या देते हैं कि जहाँ पे पिकिंग यानी तोड़ने से शुरू होकर गोदाम ऑक्शन सेंटर तक पहुँचने में, जिसमें कि 90 डेज का स्टोरेज दिया जाता है। टाइप थ्री में देते हैं हम लोग ओनली ट्रांजिट। अब ट्रांजिट क्या है कि ये भी कार्डामम में भी क्या हम लोग क्या किससे कवर देते हैं, आईटीसी एक के अकॉर्डिंग ओनली हम लोग इसको कवरेज देते हैं। पॉलिसी क्या है, कॉफी में भी वही था, एनुअल बेसिस पे इशू की जाती हैं, जिसमें एस्टिमेटेड टर्नओवर और क्रॉप की वैल्यू कितनी है उसके बेसिस पे। कार्डामम में ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना, एंड 90% चांसेस हैं कि इस पे आपको क्वेश्चन आएगा। क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे रो कार्डामम 4 किलो को 1 किलो ड्राइड और फिनिश कार्डामम के बराबर माना जाता है, यानी क्या है कि जो भाव मिलता है वो तो मिलता है ड्राइड कार्डामम का। अब जब नुकसान हुआ उस टाइम पे हो सकता है कि वो रो कार्डामम हो जिसको प्रोसेस करना भी बाकी है, तो क्या कहते हैं कि रो कार्डामम को 4 kg को हम लोग 1 kg फिनिश के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। मान लो यदि आपका रो का 20 किलो का हुआ तो हम क्या करेंगे, इसका लॉस अमाउंट कितना करेंगे, 5 kg ओनली। नाउ नेक्स्ट कम्स लॉस डैमेज कॉज बाय मोथ वर्मिम इंसेक्ट आर नॉट कवर्ड। अब क्या कार्डामम में क्या हो सकते हैं, मोथ वर्मिम या इंसेक्ट, मतलब जो भी इस पे इंसेक्टिसाइड या कोई बैक्टीरिया लग जाते हैं उनकी वजह से लॉस होता है, तो वो इसमें कवरेज नहीं मिलता। नाउ नेक्स्ट आती है रबर एस्टेट। रबर एस्टेट में क्या है, सबसे पहला है फुल पैकेज पॉलिसी है जिसमें 120 डेज का स्टोरेज कवर है। सेकेंड आती है फुल पैकेज कवर है बट उसमें इसमें क्या है, ट्रांजिट नहीं है। दूसरे में क्या है, ट्रांजिट कहाँ तक है, एफओबी पॉइंट तक, यानी फ्री ऑन बोर्ड तक उसको ले जाने का भी टाइप टू में कवरेज दिया जाता है। टाइप थ्री में क्या दिया जाता है, ओनली ट्रांजिट पॉलिसी दी जाती है। किसके लिए, ट्रेडर्स के लिए, जो साइंटिफिक लेटेक्स है यानी उसमें से जो रबड़ निकल गया उसको ट्रांजिट करने के लिए। अब रबड़ में जो प्रोसेस चेन है वो क्या होती है, पहले कलेक्शन सेंटर पर रबड़ निकलेगा, फिर उसको फैक्ट्री या स्मोक हाउस जहाँ पे उसको हीटिंग से प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद वो आएगा वो इंश्योर्ड गोडाम में आएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, बायर के पास। और ये एफओबी पॉइंट पे भी जा सकता है टाइप वन और बी पॉलिसी में, जबकि टाइप सी पॉलिसी में कहाँ तक जाएगा, दूसरे ट्रेडर तक। और कवरेज कैसा होता है, एज पर आईटीसी ए। अपने नेक्स्ट आती है क्रॉप, टी क्रॉप। टी क्रॉप के लिए क्या क्या कवरेज है, टी क्रॉप गार्डन वाइज इश्यू होती हैं, जैसे कि उसमें एनुअल किसी फैक्ट्री को दिया जाता था, सेम ऐसे ही कॉफी वाले जैसे ही कवरेज होता है। अब इंश्योरेंस इसमें क्या दिया जाता है कि इंश्योरेंस आर कवर्ड एट एज पर ऑल रिस्क विद एक्सक्लूजन ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजिट टाइप, वही है सेम एज पर आईटीसी ए होता है। यहाँ पर ट्रांजिट में क्या होता है, एक्सक्लूजन किसकी वजह से जो एक्सक्लूड होते हैं, कुछ स्पेशल एक्सक्लूजन है।
एनी डिफॉल्ट डिफेक्ट इन प्रोसेस और पैकिंग मटेरियल यूज। अब पैकिंग मटेरियल जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि पैकिंग इंश्योर करता है और यदि वो अच्छी नहीं होती है तो वो कवर नहीं होती। लॉस ड्यू टू इंसर्ट ड्यू टू MBD और पावर फेलियर। अब मान लो जो मशीनरी है उसको कोई नुकसान हो गया और उससे चाय पत्ती प्रोसेस नहीं हुई, तो उस केस में भी जो लॉस है वो पेएबल नहीं है। नो कवर फॉर स्टैंडिंग टी प्लांट्स। अब क्या है कि जब हम गार्डन वाइज दे रहे हैं, स्टेट वाइज नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे गार्डन में तो जो ग्रीन टी के जो प्लांट्स हैं वो खड़े हुए हैं। अब यदि ये प्लांट्स डैमेज हो गए किसी भी वजह से तो वो कवरेज हम लोग नहीं देंगे। इसका प्रोसेस क्या रहेगा, सेम एज कॉफी। पहले हम क्या करेंगे, ग्रीन लीफ को तोड़ेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे फैक्ट्री में, फिर स्टोरेज गोडाउन में लेके जाएंगे, वहां से हम करेंगे डिलीवरी टू द बायर। ये पूरा कवरेज टी में दिया जाता है। टी के कवरेज में टाइम लिमिट डिफाइन नहीं की गई है। अब यहाँ तक हमने ट्रेड क्लोजेस पढ़ लिए, बट कुछ स्पेशल क्लोजेस और कंडीशंस होती हैं जो पॉलिसी के साथ अप्लाई होती हैं। सबसे पहला आता है कंप्रेसिव क्लोज कवर। ये एक कंडीशन नहीं बल्कि ये एक है एड ऑन। ये एड ऑन किस में लगता है, ICC बी और सी में लगता है, जो ICC A के जो कवरेज हैं उनमें से कुछ कवरेज को कवर करने के लिए, जैसे कि लॉस ड्यू टू थेफ्ट पिलफरेज नॉन डिलीवरी, इनकी वजह से जो लॉसेज होते हैं उन्हें कवर करने के लिए हम इसमें देते हैं। नेक्स्ट आता है डैमेज ड्यू टू एंट्री ऑफ फ्रेश रेन वाटर, क्योंकि ICC B में क्या था, ओनली ओशियन रिवर वाटर कवर था, यहाँ पे फ्रेश वाटर और रेन वाटर का डैमेज कवर किया जाता है। नेक्स्ट आता है डैमेज बाई हुक्स ऑयल मड एक्सेट्रा, जो ओनली ICC A में था, हीटिंग स्वीटिंग डैमेज बाई अदर कार्गो, ये सारी प्रॉपर्टीज किस में थी, ओनली ICC A में कवरेज थी। ये चीज़ें यदि ICC B में कवर करनी है तो आपको कंप्रेहेंसिव क्लोज लगाना पड़ेगा, साथ ही साथ में आपको उसका एडिशनल प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। अपना नेक्स्ट आता है गार्बलिंग क्लोज। गार्बलिंग क्लोज क्या होता है कि मान लो ये कोई है, इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे गुड्स हैं, इसमें से मान लो कुछ कुछ डैमेज हो गए, तो जो डैमेज नहीं हुआ, जो अभी बचा हुआ है, जो इसमें अच्छा बचा हुआ, उसको इसमें से पिक करके, यानी एक एक को चुक चुक के बाहर निकालना, उसको हम लोग बोलते हैं गार्बलिंग। अब गार्बलिंग क्लोज किसके लिए यूज होता है, टोबेको कॉफी बीन्स ग्रेन्स, उनमें क्या ये मान लो कुछ दाने खराब होते हैं तो उनको अलग निकाला जाता है। काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि हाथ से एक ही दाना निकालने बैठोगे तो सालों साल लग जाएंगे, बट देर आर मैनी प्रोसेस जिनसे गार्बलिंग की जाती है। अब गार्बलिंग कॉस्ट इसमें पे होती है, क्यों पे होती है, क्योंकि फर्दर डैमेज ना हो। अब मान लो ये आपका कोई एक गेहूं का कंटेनर है, अब गेहूं के कंटेनर में कुछ दानों में क्या है कि इंसेक्ट्स लग गए। अब ये इंसेक्ट क्या है, ये तो अपने आप रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, ये ज़्यादा दानों में लगेंगे, इसलिए क्या किया जाता है, इनको अच्छे से फिल्टर किया कर लिया जाए, गार्बलिंग से जो खराब हो उसको निकाल के बाहर फेंक दो, तो यहाँ पे जो डैमेज हो गया उसका तो कवरेज मिलेगा नहीं, क्योंकि वो इंसेक्ट से डैमेज हो रहा है। या फिर मान लो यहाँ पे, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मान लो ये थे, इसमें क्या हुआ कि जो पानी घुस गया, पानी की वजह से सीलन आ गई, सीलन की वजह से गेहूं डैमेज होना स्टार्ट हो गया। अब एक गेहूं जो है वो अपना स्प्रेड करेगा तो वो पड़ोस वाले को भी डैमेज करने लगेगा। अब जो डैमेज है वो तो मिल रहा है, बट यहाँ पे ये डैमेज बढ़ रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, जो भीग गए थे उनको हम क्या करेंगे, उन वाले गेहूं को हम बाहर निकाल देंगे। तो अब जो बाहर निकालने की कॉस्ट है वो भी इंश्योरेंस में पे की जाएगी, जिससे कि क्या होगा कि जो बचे हुए जो गेहूं हैं उनका हमें अच्छे से डैमेज नहीं हो और वो हमें अच्छे से मिल जाए। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूट रिप्लेसमेंट क्लोज। इंस्टीट्यूट रिप्लेसमेंट क्लोज में क्या है कि ये मान लो कोई मशीनरी के लिए अप्लाई होता है, मशीनरी मान लो ये कोई पार्ट टूट गया। अब क्या ये मशीनरी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पार्ट जब तक नहीं डलेगा तब तक ये मशीन बिल्कुल खटारा है, कोई काम की नहीं है, तो क्या होगा, लॉस हम पूरी मशीन का पे करेंगे, बिकॉज उसके लिए तो मशीन पूरी बिना काम की हो गई है। हम यहाँ पे लॉस केवल इस पार्ट का पे करेंगे कि इस पार्ट को नया लगाने में जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो हम पे करेंगे, बट ये जो पूरी मशीनरी, यदि ये पार्ट नहीं मिलने की वजह से, एनी XYZ रीजन से यदि ये मशीनरी काम नहीं कर रही है, तो भी हम पूरी मशीनरी का पे नहीं करेंगे, ओनली जो पार्ट डैमेज हुआ उसी का पे किया जाएगा। ये आता है इंस्टीट्यूट रिप्लेसमेंट क्लोज में। नेक्स्ट आता है सेकेंड हैंड रिप्लेसमेंट क्लोज। सेम मशीनरी जैसा है, ये किसके लिए लगता है, जो सेकेंड हैंड मशीनरी है, बट उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेकेंड हैंड मशीनरी में भी यदि मान लो ये कोई पार्ट डैमेज हुआ है तो हम ये न्यू पार्ट देते हैं, यानी न्यू फॉर ओल्ड इज पेएबल। नेक्स्ट आता है पेयर एंड सेट क्लोज। पेयर एंड सेट क्लोज में क्या होता है कि मान लो ये कोई पेयर है, ये जब दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो ये काम में आएंगे। इनमें से क्या है, ये वाला पेयर, ये वाला डैमेज हो गया, तो अब ये वाला पेयर किसके साथ जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, तो ये भी बिना काम का है, बट यहाँ पे क्लेम केवल ओनली इसी वाले का पे होगा, इसका क्लेम पे नहीं होगा। ये लगता है पेयर एंड सेट क्लोज में। इसका एक आपको इजी सा एग्जांपल देते हैं। मान लो कान में पहनने की बालियाँ हैं दोनों कान की, एक कान की बाली टूट गई तो क्या आप एक को पहन सकते हो, वो भी बिना काम की हो गई।
बट इंश्योरेंस में केवल इसी का क्लेम दिया जाएगा। कान की बाली ठीक है मदीन में कवर नहीं है, बट आपको बेसिकली एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल दिया गया है पेयर एंड सेट क्लोज। इस पे क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है कटिंग क्लोज। कटिंग क्लोज में क्या होता है, जो डैमेज पार्ट है उसको तो क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, बाकी पार्ट को यूज कर देते हैं। सपोज ये कोई पाइपलाइन थी, इसका ये इतना पार्ट खराब हो गया, तो ये इतना पाइप तो यूजेबल है, यहाँ पे क्या जाएगा, इसको यहाँ से काट दिया जाएगा, इसका क्लेम पे हो जाएगा, ये जो बचा हुआ जो पाइप का पार्ट है ये आपको पे किया जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा ये सारी जो है ये कंडीशंस हैं पॉलिसी की। गार्डलिंग क्लोज में तो एड ऑन है जहाँ पे पेमेंट होता है, बट इन चार में तो क्या है कि ये कंडीशंस हैं जो पॉलिसी में क्लेम पे के टाइम पे अप्लीकेबल होंगी। नाउ नेक्स्ट क्या आता है, कंसील डैमेज कवर। कंसील डैमेज कवर कब लगता है कि मान लो कोई गुड्स है, आप उसके बॉक्स को 2-3 महीने तक खोलने का काम ही नहीं पड़ता। अब क्या आपको लॉस तो बाद में पता चलेगा, अब इंश्योरेंस कंपनी कहेगी भैया आपने हमें लॉस तो जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपने हमें क्यों नहीं बताया लॉस है, बट आपने ओपन ही नहीं किया। बिकॉज बहुत सी चीज़ें हैं जो कंसील्ड डैमेज बॉक्स में आती हैं जिनके साथ कंडीशन होती है कि ये 2-4 महीने बाद यूज होने वाली है। उस केस में क्या है कि इंश्योर जो कस्टमर है उसको अलाउ किया जाता है कि लेट क्लेम का इंटीमेशन दे सकता है। नेक्स्ट आता है लेबल क्लोज। ये मान लो कोई बॉक्स है, इसके ऊपर ये यहाँ पे लेबल लगा हुआ है जिसमें उसकी कंपनी का नाम सारी चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई हैं। यहाँ पे क्या होता है, इस पर कुछ वो आते हैं, मतलब ठोक के जैसे अपने 33 नंबर गाड़ी पे ठोका होता है वैसे इसी बॉक्स के ऊपर इसका इंप्रेशन दिया जाता है जिससे कि इसकी पहचान हो सके। अब बैड वेदर या किसी भी XYZ वजह से ये जो इसका था पोस्टर या जो लेबल था वो हट गया। अब लेबल हट गया तो क्या होगा कि लेबल हटने की वजह से केवल लेबल डैमेज हुआ है, तो हम केवल लेबल का कॉस्ट पे करेंगे, ना कि हम इस पूरे जो कंटेनर में सामान है उसका लॉस पे करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कस्टमर के, भैया मेरा तो चीज़ पहचान में नहीं आ रही। इन आइडेंटिफिकेशन मार्क से यदि वो ऑब्जेक्ट पहचान में आ रहा है तो उस केस में हम लोग जो उसके अंदर मटेरियल था उसका कोई लॉस पे नहीं होगा, ओनली जो लेबल है उसको दोबारा लगाने का कॉस्ट है वो पे किया जाएगा। नेक्स्ट आता है ब्रांड एंड ट्रेडमार्क क्लोज। अब मान लो ये कोई रेमंड का सामान आ रहा था, हर सामान पे रेमंड का लोगो है, ये कार्गो डैमेज हो गया, ये 100 रुपये का कार्गो था, इसकी साल्वेज वैल्यू फिर भी आ रही है 40 रुपये, 40 रुपये में बेच देंगे हम, 40 रुपये में जो खरीदेगा वो भी ऐसा तो है नहीं इसको अपने घर पे रखेगा, वो इसको मार्केट में बेचेगा किसी भी, जो भी उसको प्रॉफिट लॉस हो रहा है उस पर। अब क्या है, रेमंड बोलेगी भैया जो मेरा सामान था वो तो क्या है कि ये 40 रुपये में बिक रहा है, यानी मेरी क्वालिटी डाउन हो गई, मुझे ये मंजूर नहीं, क्योंकि यहाँ से क्या है उसकी ब्रांड इमेज को इम्पेक्ट कर रहा है ना, 40 रुपये में चीज़ मिल रही है बट यहाँ पे रेमंड की ब्रांड इमेज इम्पेक्ट हो रही है। इसी ब्रांड इमेज को बचाने के लिए एक एग्जांपल था, हर चीज़ में होती है, चाहे आप तो कोई भी कार्गो ले लो उसमें हर कंपनी की एक ब्रांड इमेज होती है, वो चाहती है कि उसका साल्वेज उसकी ब्रांड इमेज को डैमेज ना करे। इसलिए कस्टमर क्या कहता है कि वो कहता है भाई साल्वेज के 40 रुपये मिल रहे हैं, हम एक ऐसे पॉइंट पे एग्री हो जाते हैं साल्वेज को पूरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इतना परसेंट आप मेरे क्लेम से ले लीजिए। ये पॉलिसी इंसेप्शन पे ब्रांड एंड ट्रेडमार्क क्लोज दिया जाता है जिसमें इसकी सारी कंडीशंस दी जाती हैं। नेक्स्ट आता है पिकिंग क्लोज। ये क्या होता है, जैसे मान लो जो भी कॉटन है, जूट है, वूल है, ये क्या होता है गठरी बन के जाता है, यानी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, सेम ऐसे ये लेयर्स बन के जाती है। अब क्या है, लॉस के टाइम पे क्या होगा, इसमें ऊपर वाली लेयर डैमेज होगी, ठीक है, ऐसे केस में क्या किया जाएगा, जो ऊपर वाली लेयर है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, बाकी जो अंदर का है उसको दोबारा उसका बेल बना के और उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कितना पे क्लेम मिलेगा आपको, जो बाहर वाला है इसका, प्लस साथ ही साथ जो इसको दोबारा बेल बनाने का जो खर्चा लगा वो। ये सेम एज गार्बलिंग क्लोज है। गार्बलिंग में क्या होता है कि कोई जो उसमें से जो जो पार्ट जो बीच में से उनको चुक के निकालते हैं, यहाँ पे जो ऊपर ऊपर का डैमेज है ऊपर ऊपर का उसको हमने निकाल दिया, बचे हुए को हमने दोबारा रीपेक किया और भेज दिया। ये है हमारे इंपॉर्टेंट क्लोजेस जो आपको मेरीन कार्गो से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। इन पे सवाल आते हैं मेरीन में, जो मैंने लास्ट ईयर का जो पेपर के बारे में बात की है, बहुत सारे स्टूडेंट से रिव्यूज भी लिया, किसी ने भी ये नहीं कहा कि थ्योरी या हिस्ट्री पूछी जाएगी, टेक्निकल चीज़ें लास्ट ईयर सारी पूछी गई थी, आप इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करके जाओ और ये सारी चीज़ें आपको पेपर में मिलने वाली हैं। नेक्स्ट आती है इनकोटर्म्स। इनकोटर्म्स जैसे मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल कॉमर्स से रिलेटेड टर्म्स होती हैं जो कि डिफाइन करती हैं कवरेज कहाँ से क्या क्या कैसे कैसे मिलता है। इनकोटर्म्स टोटल 11 इनकोटर्म्स हैं, ये 2020 में रिवाइज हुई थी, इनको आपको पढ़ना है। इस बार इन्हीं वाले टर्म्स पे आने वाला है, जो ट्रिपलाई की बुक्स में दी हुई हैं वो पुरानी हैं, इसलिए आप इनको पढ़ लें। आपके फ्रेंड्स ने जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है उनको आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं।
यहाँ पे क्या था, सबसे पहले आती है अक्सवक्स। अक्सवक्स में क्या है कि जो सेलर है वो क्या करता है कि गुड्स को अपने गेट पे डिलीवर कर देता है, भैया यहाँ से आगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ से आगे जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी होती है बायर की। नेक्स्ट आता है फ्री कैरियर। फ्री कैरियर में क्या होता है कि सेलर क्या करता है गुड्स को कैरियर में यानी उसके ट्रक में लोड कर देता है, या फिर वो कोई पॉइंट बताता है कि मान लो यहाँ तक तुम्हें गुड्स पहुँचाने हैं, वो वहाँ तक गुड्स को पहुँचा देता है। यहाँ पे जो अनलोडिंग की है वो भी जिम्मेदारी बायर की ही होती है। नेक्स्ट आता है FAS। FAS होता है फ्री अलोंग साइड शिप। इसमें क्या करता है सेलर यहाँ से गुड्स को उठाएगा, ये यहाँ पे जहाज खड़ी है, जहाज के किनारे पोर्ट पे रख के आ जाएगा, यहाँ तक कि इसकी रिस्क है। नेक्स्ट है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड में क्या करता है कि इन गुड्स को वो उठा के इसके ऊपर लोड कर लेगा इन एडिशन टू FAS। ये हो गए अपने चार बेसिक, जिसमें क्या है कि सेलर की जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है, केवल बहुत मिनिमल है। नेक्स्ट आता है CFR। CFR कॉस्ट एंड फ्रीट में क्या होता है कि जो बायर है वो कॉस्ट जो मटेरियल की उसके साथ साथ फ्रीट भी उसे पे कर देता है, तो सेलर का क्या काम होता है कि वो उसके लिए कैरियर का भी बंदोबस्त करता है, यानी कि वो उसके लिए जहाज का भी बंदोबस्त करेगा, ट्रक का भी बंदोबस्त करेगा। सेलर की जिम्मेदारी कहाँ पे खत्म हो जाएगी, जैसे इस शिप के अंदर लोड हो जाएंगे, यानी फ्री ऑन बोर्ड, बट क्या है कि जो फ्रीट है वो किसको करना है, सेलर को करना है, जबकि ओनली फ्री ऑन बोर्ड में क्या करता है जहाज का अरेंजमेंट करना होता था बायर को। CIF। CIF क्या है, CFR में आप एडिशन कर दो इंश्योरेंस का, यानी उसको कॉस्ट और फ्रीट तो पे करिए था उसने, इंश्योरेंस के पैसे भी कर दिए कि भाई सेलर को अब अरेंज करना है इंश्योरेंस, किसके लिए, बायर के लिए। अब यहाँ पे जब ये शिप में लोड हो गया, यहाँ से रिस्क तो बायर की है, बट इंश्योरेंस पॉलिसी कौन बाई करेगा, सेलर। सेलर बाई करके इंश्योरेंस को पॉलिसी दे देगा। नेक्स्ट आता है CPT, कैरिज पेड टू। अब इसमें क्या करता है कि जो सेलर है वो क्या किसके लिए जिम्मेदार है, गुड्स को कैरी करने के लिए अपने कैरियर पे, और जहाँ पे भी उसने बायर ने बोला, बायर यहाँ के किसी पॉइंट का बोल सकता है, अपने गोडाउन का बोल सकता है, वहाँ पे ये लेके जाएगा। यहाँ तक की रिस्क किसकी है, सेलर की। CPT में यहाँ तक पहुँचाने की रिस्क है सेलर की, बट गुड्स को अनलोड करने की रिस्क किसकी है, बायर की। नेक्स्ट आता है कॉस्ट एंड इंश्योरेंस पेड टू। अब CPT के बाद में आपने CIP किया। CIP में क्या है कि जो सेलर है उसको क्या है कि जो कैरिज है उसकी तो जिम्मेदारी लेनी है, लेकिन कैरिज के साथ साथ उसे इंश्योरेंस की भी जिम्मेदारी लेनी है। नेक्स्ट आता है अपना DAP, डिलीवर्ड एट प्लेस। यहाँ पे मान लो ये कोई पॉइंट बताएगा, बायर कहेगा भाई मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, सेलर यहाँ से अपने गुड्स को लेगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ पे आने के बाद अपना ट्रक लाके उसके गोडाउन पे खड़ा कर देगा, तो यहाँ तक कि जो भी ट्रांजिट की रिस्क है वो सारी रिस्क किसकी है, सेलर की। अब तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सेलर केवल जब तक गुड्स को लोड कर रहा था जो इन ट्रांजिट की रिस्क थी वो होती थी यहाँ तक बायर की, बट ये जो लास्ट वाले चार हैं इनमें जो ट्रांजिट की रिस्क है वो ट्रांसफर हो जाती है सेलर पे। ये इंपॉर्टेंट आप नोट कर लेना, DAP, DPU, DDP ये केवल तीन है, इन तीन में रिस्क होती है सेलर की ट्रांजिट की, जबकि बचे हुए आठ है एक्सवर्क्स, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, इनमें रिस्क किसकी होती थी, बायर की। सेलर का काम था केवल गुड्स को लोड किया, भाई साहब टाटा बाय बाय। अब इसमें DAP में क्या होता है कि वो यहाँ तक गुड्स को ले आता है लेकिन अनलोड नहीं करता। DPU में क्या करता है कि वो यहाँ पे गुड्स को अनलोड भी करने की रिस्क सेलर की ऐड हो जाती है। नेक्स्ट आता है डिलीवर्ड ड्यूटी पेड में वो यहाँ पे अनलोड तो करता ही है, साथ ही साथ क्या है कि जो इम्पोर्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आ जाती है सेलर पे। यानी मान लो ये यहाँ से सेलर ने क्या किया, अपने देश से माल भेजा, यहाँ पे इंडिया में सामान आया, यहाँ पे अनलोड करने के बाद में यहाँ पे पहुँचाना तो है ही उसके गोडाउन तक, बट यहाँ पे जो पोर्ट पे इम्पोर्ट की फॉर्मेलिटी है वो कौन करेगा, सेलर। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अक्सवर्क्स और DDP एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। अक्सवर्क्स में क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों फॉर्मेलिटी करता है बायर, जबकि DDP में दोनों फॉर्मेलिटी करता है सेलर। जो बीच वाले हैं, बचे हुए जो नो हैं, उनमें क्या करता है सेलर का काम होता है एक्सपोर्ट की फॉर्मेलिटी करना, जबकि बायर का काम होता है इंपोर्ट की फॉर्मेलिटी करना। नेक्स्ट आता है अपने टाइप ऑफ पॉलिसी। कौन कौन सी टाइप ऑफ पॉलिसी हम लोग देते हैं। सबसे पहले पॉलिसी दी जाती है स्पेसिफिक वॉइज। स्पेसिफिक वॉइज में क्या होता है, केवल एक जो रोड का मान लो एक ट्रांजिट है या एक जर्नी के लिए ही ये पॉलिसी दी जाती है। यहाँ से सामान उठाना है, यहाँ पे ले जाके रखना है, एक ट्रांजिट के लिए रेट्स होती हैं, उसी के लिए कंडीशंस होती हैं, बात खत्म हो जाती है।
नेक्स्ट आता है ओपन कवर। अब इम्पोर्टर एक्सपोर्टर होते हैं उनको तो रोज के ट्रांजिट होते हैं भैया, वो हर के लिए एक एक पॉलिसी लेने जाएंगे तब तो उनके कमाल धमाल हो जाएगा। इसके लिए इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को दिया जाता है ओपन कवर। ओपन कवर में खास बात क्या है, ओपन कवर में केवल कंडीशंस होती हैं, ये पॉलिसी नहीं होती है। जैसे जैसे वो अपना गुड्स को भेजेगा वो इंश्योर्ड के पास जाएगा, उसे क्या करेगा अपना डिक्लेरेशन देगा, इंश्योरेंस उसके बेसिस पे एक सर्टिफिकेट देगा। तो ओपन कवर्ड का डॉक्यूमेंट है वो नॉन स्टैम्प्ड होता है, यानी इस पे कोई स्टाम्प नहीं होती, जबकि इसका जो एवरी जो डिक्लेरेशन है उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट होता है। यानी यहाँ पे केवल ओपन कवर की पॉलिसी में केवल कंडीशंस होती हैं, एवरेज सर्टिफिकेट कवरेज देता है कि क्या क्या कवरेज है। यहाँ पे कई बार क्या है कि यदि मान लो किसी गलती से ओपन कवर में वो डिक्लेरेशन भेजना भूल गया, तो वो भी यदि इंश्योर्ड ने अपनी जानबूझ के गलती नहीं की है तो कवर होता है। अब नेक्स्ट आता है ओपन पॉलिसी। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सबको, इसको याद करने का तरीका आपको बताता हूँ। ओपन पॉलिसी जहाँ पे पॉलिसीज के साथ नाम आ गया, यानी कि यहाँ पे इसने पॉलिसी बना के दे दी, और पॉलिसी बना के देने का क्या है कि ये एक स्टाम्प्ड डॉक्यूमेंट है। ओपन कवर यानी यहाँ पे आपने अभी तक कवर दिया है उसकी पॉलिसी नहीं बना के दी है। अब डिक्लेरेशन तो इसमें भी होते हैं, बट इसके जो डिक्लेरेशन होते हैं वो नॉन स्टाम्प्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन पर स्टाम्प नहीं लगती। ये भी सेम ऐसे दिया जाता है, इसमें क्या होता है साल की आप एक लिमिट कर लेते हो, उसके बाद में डिक्लेरेशन का डिसाइड कर लेते हो कि आपको हर दिन डिक्लेरेशन देना है, मंथली डिक्लेरेशन देना है, 15 दिन में डिक्लेरेशन देना है, ये इंश्योरर और इंश्योर्ड अपने मिल बांट के डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट आती है स्पेशल डिक्लेरेशन पॉलिसी। स्पेशल डिक्लेरेशन पॉलिसी नियरली ओपन पॉलिसी जैसी होती है, बट इसमें कुछ खास चीज़ें होती हैं कि इसमें एक तो आपको सम इंश्योर्ड आप बार बार नहीं बढ़ा सकते, पॉलिसी के दौरान केवल एक बार सम इंश्योर्ड बढ़ाया जा सकता है। दूसरा आता है कि आपको डिक्लेरेशन क्वार्टरली एक बार डिक्लेयर करने पड़ते हैं, आपको हर ट्रांजिट या हर बिल के साथ आपको डिक्लेरेशन नहीं डिक्लेयर करने पड़ते। नेक्स्ट आती है एनुअल पॉलिसी। एनुअल पॉलिसी किसके लिए होती है, खुद का सामान ले जाने के लिए, खुद के डिपो में मान लो कोई है, यहाँ पे उसकी इंडस्ट्री है, यहाँ पे दूसरी इंडस्ट्री है, यहाँ से सामान यहाँ लेके जाना होता है। इस केस में क्या है, कोई उसमें सेल्स तो एग्रीमेंट हो नहीं रहा, साल में बहुत बार सामान आता है, इसके लिए कस्टमर सिंगल ट्रांजिट लिमिट ले लेता है कि मेरा बार बार सामान यहाँ से वहाँ जाएगा, तो उस केस में हम उसे एनुअल पॉलिसी दे देते हैं। नेक्स्ट आती है ड्यूटी एंड इंक्रीज वैल्यू। अब जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी का तो इंश्योरेंस होगा नहीं, इम्पोर्ट ड्यूटी की वैल्यू के लिए यहाँ पे कस्टम ड्यूटी की वैल्यू के लिए इंश्योरेंस हो सकता है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि गुड्स की वैल्यू हो सकता है मिडवे इंक्रीज हो गई हो, तो उस इंक्रीज वैल्यू के लिए हम लोग लेते हैं। इन दोनों पॉलिसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्योरली इंडेमनिटी बेसिस है, यानी कि जितनी ड्यूटी आपने पे की केवल वही हम आपको पे करेंगे, ना कि हम आपको ड्यूटी एक्स्ट्रा पे करेंगे। इंक्रीज वैल्यू यानी उसकी जितनी वैल्यू बढ़ गई है एक्चुअल में मार्केट के अकॉर्डिंग, आपको मार्केट की जो सर्वे है वो लाके देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा इतनी वैल्यू बढ़ गई थी, केवल उतना ही पे होगा। इसमें सम इंश्योर्ड की बेसिस पे काम नहीं चलता। नेक्स्ट आती है सेलर्स इंटरेस्ट कंटीजेंसी पॉलिसी। अब क्या मान लो यहाँ से गुड्स यहाँ पे गए बायर के पास, बायर ने गुड्स को देखा बोले ये तो डैमेज है, उसने लेने से मना कर दिया, इस केस में क्या होगा, ये गुड्स वापस सेलर की रिस्क अटैच हो जाएगी, सेलर के पास आएंगे। तो अब सेलर की रिस्क अटैच हो गई तो क्या होगा, सेलर भाई यहाँ से तो उसको पॉलिसी क्या, या तो नई पॉलिसी ले तो हम इंस्पेक्शन मांगेंगे। तो इसको ऑटोमेटिक कवर करने के लिए सेलर्स इंटरेस्ट कंटीजेंसी पॉलिसी इश्यू की जाती है। इस पॉलिसी में काफ़ी सारी बेईमानी हो सकती है, कई बार गुड्स डैमेज हो गए उसके बाद पैसे लेके भी गुड्स को वापस ले लिया जाता है, तो बायर को इस पॉलिसी के बारे में पता नहीं होना चाहिए कि सेलर ने कंटीजेंसी पॉलिसी ली हुई है। नेक्स्ट आती है स्पेशल स्टोरेज रिस्क इंश्योरेंस। ये वाली पॉलिसी किसके लिए दी जाती है, ये वाली पॉलिसी दी जाती है कि मान लो ये रेलवे गोडाउन पे जो 7 दिन का ही कवर है, मान लो 7 दिन में आपका सामान नहीं उठा, तो जो रेलवे का जो यार्ड है वहाँ से सामान 7 दिन के बाद जितने दिन पड़ा रहता है उसको कवर करने के लिए SSRI स्पेशल स्टोरेज रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी इशू की जाती है। नेक्स्ट आती है ड्यूटी एजम्पशन स्कीम पॉलिसी। ड्यूटी एजम्पशन स्कीम को क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई कई बार आप इंडिया में जैसे प्रोडक्शन या जो मेक इन इंडिया स्कीम है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ड्यूटी फ्री गुड्स का इंपोर्ट होता है, ये गुड्स बाहर से आते हैं बट इन पे ड्यूटी चार्ज नहीं की जाती, कस्टमर आता है इन गुड्स को लेता है, इनको प्रोसेस करता है, उसके बाद इनको वापस एक्सपोर्ट ही कर देता है, यहाँ पे उसने इंपोर्ट किए। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए एक पैकेज पॉलिसी दी जाती है जो ये गुड्स जहाँ इंपोर्ट हुए वहाँ से लेके कवरेज करेगी, यहाँ से इसका ट्रांजिट कवर करेगी, यहाँ पे इसका इंडस्ट्री में उसका स्टोरेज कवर करेगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग होती है तो उसको कवर नहीं किया जाएगा, उसके बाद में उसका ट्रांजिट अप टू द पोर्ट
कवर किया जाएगा। ये होती है ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम, ये उनके लिए दी जाती है जो कि सामान इंपोर्ट करके उसको प्रोसेस करके वापस एक्सपोर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं मरीन एडवांस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ये पॉलिसी दी जाती है CAR के अटैचमेंट में। मान लो कंस्ट्रक्शन ऑल रिस्क या ER यानी इरेक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी है, उसमें कोई डैमेज हो रहा है, कोई लॉस ड्यू टू डिले, मान लो मरीन में कोई लॉस हो गया उसकी वजह से वहां पे सामान नहीं पहुंचा, उसकी वजह से उनका प्रोजेक्ट डिले हो गया, तो क्या होगा कि वो जो मरीन एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट है वो वहां पे पॉलिसी दी जाती है। नेक्स्ट आती है बायर कंटीजेंसी। बायर कंटीजेंसी सेम इसका उल्टा है। मान लो क्या हुआ कि यहां से सेलर ने टूटे हुए गुड्स दे दिए, बायर को तो पता नहीं है मेरे पास कौन से गुड्स कैसे आ रहे हैं। बायर जब गुड्स लेता है उसे पता लगता है यार मेरे तो गुड्स टूटे हुए हैं, यानी ऑलरेडी सेलर ने ही तोड़ के दे दिए थे। इस केस में क्या करेगा कि बायर को कंटीजेंसी पॉलिसी मिलती है जिसमें उसे कवरेज मिल जाता है, इंश्योरेंस कंपनी सेलर के अगेंस्ट में रिकवरी राइट्स प्रोसीड करती है। अब सेलर कंटीजेंसी पॉलिसी में बायर को नहीं पता होना चाहिए, बायर कंटीजेंसी पॉलिसी में सेलर को पता नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं हल के बारे में। हल में टाइप ऑफ वेसल, बहुत सारे टाइप की वेसल्स होती हैं। पहली आती है लाइनर वेसल्स। लाइनर वेसल क्या होती हैं, अपनी राजधानी ट्रेन की जैसे होती हैं, यानी इनका फिक्स है यहाँ से चलेगी इस पोर्ट पे इतने घंटे रुकेगी फिर अगले पोर्ट पे रुकेगी, एक फिक्स टाइम चार्ट के हिसाब से चलती हैं। दूसरी है ट्रेम्प वेसल। ट्रेम्प वेसल होती है मालगाड़ी की जैसे, जहाँ से सामान भरा वहाँ से चल गए अगले पोर्ट पे पहुँच गए, सामान खाली कर दिया, उसके बाद खड़े रहेंगे, जब सामान मिलेगा तो भर के चलेंगे, यानी इनका कोई फिक्स रूट नहीं होता। लाइनर वेसल्स क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक हैं तो उनमें स्टाफ भी अच्छा होता है, प्रॉपर हैंडलिंग भी होती है, तो ये बेटर रिस्क है कंपेयर टू दिस, यानी लाइनर वेसल आर बेटर रिस्क कंपेयर टू ट्रेम्प वेसल, आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्राई बल्क कैरियर। ड्राई बल्क कैरियर क्या होता है कि जिसमें शुगर हुआ, अपना कोल हुआ, ये सब चीज़ें क्या है कि ये जो शिप है इसमें पूरे इसके कंपार्टमेंट में यूं ही पूरे में भरी हुई जाती हैं, यानी कि कोई कंटेनर या कोई पैकेट में नहीं जाती है बल्कि इसमें लूज पूरे में भर दी जाती हैं, जिससे क्या है कि सामान ज़्यादा आ सके, ये ड्राई बल्क कैरियर इसके लिए होते हैं। लिक्विड बल्क कैरियर किसके लिए होते हैं, लिक्विड बल्क कैरियर होते हैं लिक्विड के लिए, जैसे ऑयल है ऐसी चीज़ें, तो इसमें कंपार्टमेंट बने होते हैं। इसमें एक रिस्क होती है कि इसकी बैलेंसिंग बहुत मुश्किल होती है, जब शिप चलती है पानी के ऊपर जब उसकी वेव से हिलती है तो ये जो गुड यहाँ पे ऑयल है ये कंटेनर में भरा हुआ ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इसकी वजह से जो शिप है वो ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ वेदर बहुत ज़्यादा रिस्क में रहती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लिक्विड बल्क कैरियर का इंश्योरेंस करते टाइम। उसके बाद आता है अपने VLCC और ULCC। VLCC होता है वेरी लार्ज कार्गो कैरियर, यानी जिनकी बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है। ULCC होता है अल्ट्रा लार्ज, यानी VLCC का भी बाप। इन दोनों के साथ दिक्कत क्या होती है, एक तो ये पोर्ट एरिया में नहीं आते, इनसे जो सामान है वो बाजे से या लाइटर अप्रोच शिप से क्या करते हैं वहाँ से पोर्ट के बाहर से उठा के लेके आना पड़ता है, ये पोर्ट के बाहर ही खड़ी रहती है। इनकी जो खुद का बीमा होता है उसमें रिस्क रहती है क्योंकि हमेशा सी वाटर में रहती हैं, पोर्ट पे आ गई तो वो थोड़ी सेफ हो जाएगी बट ये हमेशा वहीं रहती हैं तो इनकी रिस्क ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट आता है कम्बिनेशन कैरियर। कम्बिनेशन कैरियर में क्या होता है, आप ड्राई गुड्स को भी ले जा सकते हो और लिक्विड कार्गो को भी लेके जा सकते हो, ये सीजन टू सीजन चलता है। मान लो जब ऑयल का सीजन है ऑयल को ले जाएगा, जब शुगर का सीजन है तो शुगर को ले जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अपने कंटेनर वेसल्स। कंटेनर वेसल्स जिनके ऊपर कंटेनर को लोड करके लेके जाया जाता है, इनके अंदर खुद के ही वो होते हैं क्रेन वगैरह होती हैं जो इसके ऊपर कंटेनर को लोड करती हैं, एक दूसरे पे कंटेनर रखे जाते हैं, तीन तीन चार चार लेयर कंटेनर की रखी जाती हैं। इनमें जो वॉशिंग एब्रोड है या लोडिंग अनलोडिंग की रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होती है कार्गो के लिए। नेक्स्ट आती हैं लाइटर एब्रोड शिप LAS। लाइटर एब्रोड शिप क्या होती हैं, जैसे जो अपने VLCC ULCC हैं वो किनारे पे तो आ नहीं सकते, तो इन पे क्या होते हैं कि इनमें LAS की कैटेगरी में इनको बना दिया जाता है। LAS में क्या होता है, इस शिप के ऊपर बड़ी बड़ी क्रेन लगी होती हैं जो इस पर बार्जेज हैं, जो छोटी क्रेन है उनको क्या करता है ये आके फ्लैट बॉटम होती हैं ये शिप, इनको बता देता है इस पर सामान है ये कैरी करके पोर्ट पे आ जाएगी और ये यहाँ से सामान लेके ये बाजेस वापस यहाँ जाएंगे, तो ये क्या करेगी लेस इस शिप बाज को उठा के अपने अंदर रख लेगी। नेक्स्ट आती है रोल ऑन रोल ऑफ। रोल ऑन रोल ऑफ शिप होती है जिसके अंदर सामान सीधा का सीधा अंदर पहुंच जाता है, यानी कि ट्रक के ट्रक सीधे उसके अंदर पहुंच जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन जहां पे उसको उतरना है वहां पे पोर्ट पे जाएगी, वहां पे ट्रक उससे वापस बाहर निकल के आ जाते हैं, ये होती हैं रोल ऑन एंड रोल ऑफ शिप्स। पैसेंजर वेसल्स, पैसेंजर वेसल आप जानते ही हैं,
जो पैसेंजर को कैरी करती हैं। इन वेसल्स का खुद का वजन बहुत कम होता है, साथ ही साथ इनकी साइज बहुत बड़ी होती है, बिकॉज इन्हें गुड्स तो कैरी करने नहीं है, लाइटर हैं तो ये साइज बड़ी हो सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी जो जहाज है यूएलसीसी वीएलसीसी से भी बड़ी होती है पैसेंजर व्हीकल्स। आपने देखा ही होगा टाइटेनिक दुनिया की सबसे बड़ी जहाज थी, क्यों? इनके अंदर तो आजकल होटल स्टे कितनी कितनी चीजें होती हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं। नेक्स्ट आती हैं कोस्टल वेसल्स। कोस्टल वेसल्स जो कोस्ट के किनारे किनारे चलती हैं, जो मिड सी में नहीं जाती हैं, ये क्या करती हैं, ये बहुत हल्का फुल्का सामान, जैसे मान लो चेन्नई से लेके कोची पोर्ट तक आना है, तो उसके लिए क्या करती हैं, ये इंडिया का जो कोस्ट है उसके किनारे किनारे चल के चेन्नई से कोची पोर्ट तक आ जाते हैं, ये काम करती हैं। फिशिंग वेसल्स जो मछलियाँ पकड़ने के काम में आते हैं। ड्रेजर्स क्या होते हैं कि रास्ता बनाता है किनके लिए, इन सब के लिए। पोर्ट किनारे क्या होता है, जमीन के अंदर जो मड वगैरह है उसको खोदने के लिए, और इनके लिए रास्ता बनाने के लिए ड्रेजर्स काम में आते हैं। ये बेसिकली क्या है, जैसे अपने मोटर में मिसलिनियस व्हीकल्स होते हैं जो क्रेन या एक्सकेवेटर्स होते हैं, सेम वैसे शिप में ड्रेजर्स होते हैं जो रास्ता बनाते हैं। नेक्स्ट आता है बार्जेस। बार्जेस जैसे मैंने आपको बताया ये फ्लैट बॉटम शिप होती हैं, ये क्या करती हैं, इनके ऊपर सामान रख के किस लिए जाया जाता है, ये सीधे इनको इसके अंदर लाइटर एब्रोड शिप LAS में लोड किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं लॉन्चेस। लॉन्चेस होते हैं छोटी शिप्स जो 20, 30, 50 लोगों को कैरी करने के लिए काम में आती हैं। अब हल में पॉलिसी कौन कौन सी होती है, हल ऑल रिस्क होती है जिसके अंदर की हल की सारी रिस्क कवर होती है। उसमें सेकंड आता है डिस्बर्समेंट इंश्योरेंस। डिस्बर्समेंट इंश्योरेंस में क्या कवरेज होता है कि जो उस शिप को चलाने के खर्चे हैं उनको इंश्योर किया जा सकता है, बट इसमें कंडीशन है कि ये मैक्सिमम 25% ऑफ द हल सम इंश्योर्ड ही कवर होती हैं। फ्रीट इंश्योरेंस यानी उसके भाड़े के लिए इंश्योरेंस करवाना हो, इसमें भी कंडीशन यही लगती है कि जो हल्का इंश्योरेंस है उसका 25% तक। प्रीमियम रिड्यूसिंग में क्या होता है कि मान लो कहीं शिप का प्रीमियम बहुत ज़्यादा आता है, 3 महीने बाद शिप टोटल लॉस हो गया, तो क्या हुआ, 9 महीने का प्रीमियम तो ऐसे ही गया, तो इसमें क्या होता है कि प्रीमियम रिड्यूसिंग इंश्योरेंस करवा लेते हैं, जो कि यदि आपका शिप टोटल लॉस हो गया तो आपका जो प्रीमियम है वो वापस पे कर देगा। हर महीने ये 1/12 से कम होता जाता है, जैसे पहले महीने के बाद आपको 11/12 मिलेगा, दूसरे महीने के बाद 10/12 मिलेगा, तीसरे महीने के बाद 9/12 मिलेगा। नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम इंश्योरेंस। रिटर्न ऑफ प्रीमियम में क्या होता है, सेम जैसे मोटर में अपना ले ऑफ पीरियड होता है या फाइल में साइलेंट रिस्क होती है, सेम वैसे कि जितने टाइम तक शिप खड़ी रही बट शिप एक्सीडेंट के बाद रिपेयर के लिए खड़ी नहीं होनी चाहिए, उस केस में क्या होता है उतने टाइम का हम रिफंड उसको दे देते हैं, मिनिमम 30 दिन के लिए वो खड़ी रहनी चाहिए। शिप बिल्डर की लाइबिलिटी कैसे होती है, जैसे ER पॉलिसी होती है सेम वैसे, यानी एक शिप के लिए उसकी पॉलिसी 12 महीने से ज़्यादा की हो सकती है, वो शिप को बनाना स्टार्ट करने से लेकर शिप को टोटल बना के उसके ट्रायल करने तक की पॉलिसी लेता है। शिप रिपेयर की लाइबिलिटी कब होती है, जब उसके पास शिप रिपेयर होने के लिए उस टाइम पे रिपेयर करते टाइम कोई भी उसके डैमेजेस हो गए उनको कवर करने के लिए दी जाती है शिप रिपेयरर लाइबिलिटी। नेक्स्ट आती है चार्टर लाइबिलिटी। अब मान लो कोई उसको चार्टर पे लेके जा रहा है, भाड़े पे लेके जा रहा है, तो भाड़े पे ले जाने वाले की लाइबिलिटी होगी इस शिप के लिए, वो अपने लाइबिलिटी को इंश्योर करने के लिए क्या करवाता है, चार्टर लाइबिलिटी इंश्योरेंस करवाता है। लॉस ऑफ हायर इंश्योरेंस कब होता है, जब मान लो ये आपका कोई शिप है ये टोटल लॉस हो गया इसकी वजह से, टोटल लॉस नहीं है पार्शियल लॉस हो गया, और ये जब रिपेयर हो रहा है उस टाइम पे इसको, क्योंकि ये किसी के किराए पे नहीं जा सकता, कोई लोड को कैरी नहीं कर सकता, उस टाइम पे उसको हायर का नुकसान हो रहा है वो कवर होता है। लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस होता है चार्टर के लिए। चार्टर ने मान लो कोई फ्लाइट कोई इसको लिया किराए पे कि मैं ठीक है मैं इसके ऊपर कुछ कमाऊंगा, लेकिन लॉस की वजह से क्या हुआ, ये रिपेयर में चली गई, जो चार्टर ने जो इन्वेस्ट किया था वो पैसा भी अटक गया और उसको प्रॉफिट का भी नुकसान हो गया, तो उसके प्रॉफिट को कवर करने के लिए दिया जाता है लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस। अब उसके बाद आते हैं P&I क्लब्स, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब्स। हल पॉलिसी में क्या है कि कुछ चीजें कवर नहीं होती, जो क्या करते हैं कि ये प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब्स कवर करते हैं। अब देखते हैं ये क्या चीज कवर करते हैं, पर्सनल इंजरी इलनेस लॉस ऑफ लाइफ टू क्रू मेंबर्स एंड पैसेंजर्स। हल पॉलिसी में 3/4 ऑफ कोलिजन लाइबिलिटी मिलती है, बट कोई से भी शिप पे किसी भी क्रू को या किसी भी कार्गो को यदि कोई नुकसान होता है तो वो कवर नहीं मिलता। हल पॉलिसी में साल्वेज मिलता है बट ओनली कार्गो का मिलता है, लाइफ का साल्वेज नहीं मिलता, जो P&I क्लब्स में पे होता है। नेक्स्ट आता है 1/4 ऑफ कोलिजन लाइबिलिटी। हल में क्या होता है ओनली 3/4 ऑफ कोलिजन लाइबिलिटी पे होती है, जो बची हुई 1/4 कोलिजन लाइबिलिटी है वो किस में पे होगी,
प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब्स में। नेक्स्ट आता है डैमेज टू डॉग पायर्स जेटीज एंड अदर फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग सब्जेक्ट्स अदर देन शिप। अब क्या है कि कोलिजन लाइबिलिटी में तो केवल दूसरी शिप का ही कवरेज दिया जाता है, बट कई बार शिप से क्या होता है जो पोर्ट एरिया में जो भी चीजें होती हैं उनको डैमेज हो जाता है। अब पोर्ट को क्लेम पे करना पड़ेगा, वो पोर्ट का क्लेम कहाँ से पे करेगा? शिप ओनर P&I क्लब से अपना क्लेम करेगा। नेक्स्ट आता है पोल्यूशन बाय ऑयल और अदर सब्सटेंस एस्केपिंग फ्रॉम द शिप। अब शिप से मान लो कोई चीजें निकल गई, जैसे पोल्यूशन हो रहा है, तो उसकी वजह से यदि मान लो शिप को डैमेज करना पड़ा, डिस्ट्रॉय करना पड़ा, या उस पोल्यूशन को रोकने के लिए जो चीजें करनी पड़ी वो कौन पे करता है? P&I क्लब। नेक्स्ट आता है रेक रिमूवल। जैसे आपका शिप का रेक रिमूवल है, पोर्ट एरिया भाई कहेगा कि भाई आपकी शिप टूट गई, आप इसको यहाँ से अपना कचरा कबाड़ तो उठा के लेके जाओ। उस कबाड़ को उठाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? P&I क्लब में, शिप ओनर की। नेक्स्ट आता है लॉस और डैमेज टू कार्गो कैरिड इन द शिप। जैसे हमने बताया था कि हल में क्या होता है, ओनली 3/4 लाइबिलिटी ऑफ द दूसरा शिप कवर होता है, वहां पे क्रू मेंबर या किसी की लाइफ या किसी कार्गो की कवरेज नहीं दी जाती है, इसलिए उसे कवर नहीं करते। इसके साथ साथ हमने इससे पहले छोड़ दिया, अभी हम कवर कर लेते हैं मेरिन हल में क्या क्या कवर होता है। हमने ये तो बता दिया ये सारी चीजें मेरिन में कवर नहीं होती जो यहां पर कवर होती हैं, बट मरीन में क्या क्या कवर होता है वो भी अभी हम पढ़ लेते हैं। मरीन हल इंश्योरेंस किसके बेसिस पे होता है? इंस्टीट्यूट टाइम क्लोज एंड इंस्टीट्यूट वॉइस क्लोज, क्योंकि हल दो टाइप से इंश्योर होता है। पहला होता है टाइम पे यानी 12 महीने की पॉलिसी, दूसरा होता है वॉइस यानी किसी एक स्पेसिफिक पॉलिसी के लिए। इधर टाइम के लिए होगा तो हम क्या देंगे? इंस्टीट्यूट टाइम क्लोज। वॉइस के लिए देगा हम देंगे वॉइस क्लोज, और ये क्लोज कौन से है? 1983 के। यदि फिशिंग वेसल को इंश्योर करना है तो वो किस बेसिस पे होगी? इंस्टीट्यूट फिशिंग वेसल क्लोज IFVC 1987 के बेसिस पे। अपने ये आगे पेरिल्स कवर्ड इन हल पॉलिसी। हल पॉलिसी में कौन कौन सी पेरिल्स कवर्ड है? कुछ पेरिल होती हैं जो इंश्योर्ड यानी शिप ओनर के बस की बात नहीं होती, जैसे पेरिल्स ऑफ द सी और अदर नेविगेबल वाटर। भाई पानी के टाइम पे जब पानी में है तो वहां पे कोई भी उसको लॉस हो गया, उसकी वजह से कोई लॉस हो गया, कोई अंडरग्राउंड रॉक से टकरा गया, ये सारी चीजें कवर है। दूसरा है फायर एक्सप्लोजन, ये इंश्योर्ड की बस की बात नहीं है। वॉयलेंट थ्रेट बाय पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द वेसल, जैसे कि पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, वो लोग आए उन्होंने शिप को लूट लिया। नेक्स्ट है जेटीसन पायरेसी। नेक्स्ट ब्रेकडाउन ऑफ एक्सीडेंट टू न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। अब क्या शिप में मान लो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन लगा हुआ है, शिप में कुछ न्यूक्लियर चीजें लगी हुई हैं, उनका ब्रेकडाउन हो गया तो वो भी इसमें कवर है क्योंकि वो इंश्योर्ड की बस की बात नहीं है। कॉन्टेक्ट विद एयरक्राफ्ट और ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग फ्रॉम लैंड कन्वेंस डॉक हार्बर इक्विपमेंट। अब कहीं से कुछ गिर गया, मान लो ऊपर कोई हवाई जहाज जा रहा है उससे कुछ ऑब्जेक्ट गिर गया शिप पे, तो वो तो शिप की बस की बात नहीं है। अब शिप पोर्ट पे खड़ा था, वहाँ पे किसी ट्रक की वजह से कुछ सामान गिर गया, या डॉक या हार्बर से मान लो कोई उसका स्ट्रक्चर गिर गया, तो वो तो उसकी बस की बात नहीं है, वो भी कवर है। नेक्स्ट है अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, लाइटनिंग। तो ये सारी चीज़ें वो पेरिल्स हैं 6.1 में जो कि इंश्योर्ड के बस की बात नहीं है। अब कुछ ऐसी पेरिल्स हैं जो इंश्योर्ड खुद कर सकता है। इंश्योर पुट्स द कंडीशन ऑफ ड्यू डिलीजेंस, यानी क्या कहते हैं इंश्योरर क्या लगा देता है कि ड्यू डिलीजेंस यानी कस्टमर को हमेशा अपनी तरफ से पूरी सतर्कता वहां पे बरतनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इन द इवेंट ऑफ क्लेम, क्लेम के टाइम पे क्या होता है कि उसको कि मतलब सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए कि भाई ठीक है, उसे ऐसा रिएक्ट करना चाहिए जैसे कि वो इंश्योर्ड नहीं है और उसकी वजह से उसे नुकसान हुआ, जैसे लॉस मिनिमाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे कवर है। उसके साथ साथ और कौन कौन सी पेरिल है? यदि लोडिंग है, डिस्चार्ज और शिफ्टिंग ऑफ कार्गो में यदि कोई लॉस हुआ, वो इसकी हल वाले की तो जिम्मेदारी है। अब वो क्या कार्गो में कवर होगा? मान लो कोई दूसरी शिप है वो इसमें पे की जाती है तो वो कवर नहीं होगी। नेक्स्ट है बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, ब्रेकेज ऑफ शाफ्ट और एनी लेटेंट डिफेक्ट इन द हल मशीनरी। अब जो हल की मशीनरी है उसके अंदर मान लो कोई डैमेज हो गया, जैसे उसका कोई बॉयलर है या उसकी कोई शाफ्ट टूट गई या उस मशीनरी में कोई पहले से कोई ऐसी डिफेक्ट था जो कि शिप ओनर को पता नहीं था, वो सारे कवर है। नेग्लिजेंस ऑफ मास्टर ऑफिसर क्रू और पायलट, नेग्लिजेंस हो जाता है जो भी उसके क्रू से, वो भी कवर है। इसमें कंडीशन क्या लगा दी जाती है? इंश्योर पुट द कंडीशन ऑफ ड्यू डिलीजेंस, यानी आप अपनी तरफ से बेस्ट करें बट यदि फिर भी कोई गलती हो गई जो विलफुल नेग्लिजेंस नहीं है तो वो कवर है। नेक्स्ट आता है नेग्लिजेंस ऑफ रिपेयरर्स और चार्टर प्रोवाइडेड दे आर नॉट अश्योर्ड। अब किसी से आपने रिपेयर करवाई और उसने कुछ गलती रह गई उससे, तो शिप ओनर को वो पता नहीं है, वो भी यहाँ पे हल पॉलिसी में कवर है। नेक्स्ट अपने आते हैं लॉस क्या क्या होते हैं। लॉसेज में आता है टोटल लॉस,
टोटल लॉस दोनों के लिए अप्लाई होते हैं। बेसिकली सारे लॉस दोनों के लिए ही अप्लाई होते हैं। टोटल लॉस कार्गो के लिए भी हो सकता है और टोटल लॉस शिप के हल के लिए भी हो सकता है। टोटल लॉस तो आप समझते हैं जिसमें कि पूरा का पूरा डैमेज हो गया। नेक्स्ट आता है CTL। CTL में होता है कि उसको वापस रिकवर करने में इतना खर्चा आ रहा है कि वो फिजिबल नहीं है। इस केस में क्या करता है कि जो शिप ओनर या जो कार्गो ओनर है वो इंश्योर्ड को नोटिस देता है कि मेरा ये जो कार्गो है ये अभी टोटल लॉस की कंडीशन में जा रहा है, इसको आप CTL कर दीजिए। इंश्योरर उसको जब बोलता है ठीक है इसको CTL कर देते हैं तो ही वो CTL में अलाउ होगा। नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर एवरेज। पर्टिकुलर एवरेज होता है यानी मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है उसका इतना सा पार्ट डैमेज हुआ, यानी कोई पर्टिकुलर पार्ट डैमेज हुआ, यानी पार्शियल लॉस जिसको हम लोग बोलते हैं उसको मेरिन की लैंग्वेज में बोला जाता है पर्टिकुलर एवरेज। तो इसका क्लेम पेएबल होगा उसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर एवरेज। नेक्स्ट आता है जनरल एवरेज। जनरल एवरेज क्या होता है, इस शिप में ये चार आइटम थे। अब क्या है कि मान लो शिप डूबने लग गया, अब शिप को डूबने से बचाने के लिए इस एक ऑब्जेक्ट को फेंकना पड़ेगा, यानी समुद्र में फेंक दिया बिना किसी वजह के, यानी खुद की मतलब जानबूझ के इसका नुकसान किया गया। क्यों? इन सबको बचाने के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे, अब भाई इसको तो नुकसान हो गया, अब इसका क्लेम कौन पे करेगा? इसका क्लेम पे किया जाएगा इनके द्वारा। जितनी जितनी इनकी वैल्यू इंश्योर थी, जितना जितना बचा, मान लो शिप डूब रहा था, शिप था अपना 1 करोड़ का, ये गुट था 20 लाख का, ये था 20 लाख का, ये था 50 लाख का, और ये 10 लाख का हमने डैमेज कर दिया, तो 10 लाख पे 10/10 ये सबकी जो इनकी जो कंट्रीब्यूशन यानी जितना इसका पोर्शन उसकी लायबिलिटी होगी उतना वो जनरल एवरेज में पे करेगा। शू एंड लेबर चार्जेस क्या होते हैं? शू एंड लेबर चार्जेस को आप लॉस मिनिमाइजेशन चार्जेस भी बोल सकते हो, जो कि कोई भी लॉस होता है उसके बाद में उस लॉस को ज़्यादा बढ़ने से रोके या लॉस को जितना कम हो उतना कम करे, ये पे होता है। नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर चार्जेस। पर्टिकुलर चार्जेस क्या होते हैं कि जैसे शू एंड लेबर चार्जेस के छोटे भाई हैं, यूँ मान लो शू एंड लेबर चार्जेस होते हैं जब आपका कोई लॉस हो चुका होता है। पर्टिकुलर चार्जेस जब आपको लग रहा है कि यार ये लॉस हो सकता है और आपने उस लॉस को बचा लिया, तो उसमें जो एक्सपेंसेस आपके लगे वो आपके होते हैं पर्टिकुलर चार्जेस। जैसे आपको फील होने लग गया कि ये जो कॉल है इसमें स्पॉन्टेनियस कंबंशन होने वाला है, यदि आप कंबंशन के बाद में कुछ करते हो वो आएगा शू एंड लेबर चार्जेस, बट कंबंशन होने वाला है ये सोच के यदि आपने किया तो वो पे होगा पर्टिकुलर चार्जेस में। नेक्स्ट आता है अपना साल्वेज चार्जेस। साल्वेज चार्जेस किसको मिलते हैं? कुछ लोग इंडिपेंडेंट होते हैं जो समुद्र में अपनी मर्जी से ही जब भी कोई शिप में कोई टेंशन होती है तो वो उसको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। इनके साथ एक कंडीशन है, शू एंड लेबर चार्जेस लॉस मिनिमाइजेशन चार्जेस तब भी पे होते हैं जब यदि वो कुछ भी नहीं बचा पाया, बट साल्वेज चार्जेस ओनली तब भी पे होंगे साल्वर को यदि उन्होंने कुछ वहां पे बचा के दिया है। नेक्स्ट आते हैं फॉरवर्डिंग चार्जेस। फॉरवर्डिंग चार्जेस कहाँ अप्लाई होते हैं? एट द पोर्ट ऑफ डिस्ट्रेस। पोर्ट ऑफ डिस्ट्रेस पे क्या होता है कि गुड्स को लोड करने का, अनलोड करने का, उन्हें वापस फॉरवर्ड करने के जो चार्जेस होते हैं वो फॉरवर्डिंग चार्जेस ये एट द पोर्ट ऑफ डिस्ट्रेस पे किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं रिकवरी राइट्स इन मेरिन क्लेम। मेरिन क्लेम में रिकवरी राइट्स कब कब होते हैं? यदि सी से ट्रांजिट है तो नोटिस कितने दिन में दिया जाना चाहिए, या तो डिलीवरी लेते या मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अंदर उसका नोटिस देना चाहिए। साथ ही साथ उसका शूट है वो 1 साल में फाइल हो जाना चाहिए। अब कितनी लिमिट होती है सी में? सी में होती है 666.67 SDR पर पैकेट या 2 SDR पर KG, दोनों में से जो भी हाई है। मान लो आपका 500 किलो का पैकेज है तो कितना हो जाएगा आपका? 1000 SDR। बट यदि आपका 200 किलो का पैकेज है तो आपको कितना मिलेगा? 666.67 SDR, ना कि आपको 400 SDR मिलेगा। दोनों में से जो हाई होगा वो मिलेगा। यदि एयर कार्गो है तो आप कितने दिन में देंगे? 14 दिन में देंगे कार्गो के लिए, 7 दिन में देंगे आपका यदि पैसेंजर का बैगेज है, या फिर आप 21 दिन में देंगे यदि आपको नॉन डिलीवरी हुई है। 14 दिन और 7 दिन की ये लिमिट है इन द केस ऑफ डैमेज। बट जो ये 21 डेज की है नॉन डिलीवरी की, ये कंडीशन कब लगेगी? इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी। यहाँ पे कितना मिलता है? 17 SDR पर पैकेट और 450 रुपये पर किलो मिलते हैं डोमेस्टिक में, जबकि इंटरनेशनल में मिलते हैं 17 SDR पर KG। अब यहाँ पे नोटिस कितने दिन में देना है? जो अपना शूट है वो होना चाहिए 1 साल के अंदर फाइल। नेक्स्ट आता है रेल। रेल में क्या होता है कि उसको 6 महीने में हमें नोटिस देना है, साथ ही साथ में हमें उसे 3 साल में शूट फाइल करना है। एक कंडीशन होती है कि शूट फाइल करने से पहले आपको 2 महीने का उसे नोटिस देना पड़ता है। रिकवरी राइट्स में मिलता है क्या है? रिकवरी राइट्स में आपको 50 रुपये पर किलो मिलेंगे गुड्स के लिए,
या 100 रुपये पर किलो मिलेंगे जो पैसेंजर का बैगेज है। ये जब मिलते हैं जब गुड्स की वैल्यू डिक्लेयर नहीं की जाती है, ये वैल्यू डिक्लेयर की गई है तो एक्चुअल वैल्यू मिलेंगे। अब रोड कैरियर और कुरियर कैरियर, इसमें क्या होता है, इसमें आपको देना होता है नोटिस 180 दिन में, शूट फाइल कर सकते हैं आप 3 साल में, किसके लिए, जो एक्चुअल वैल्यू जो आपने बिल्टी में डिक्लेयर की है। जो रोड कैरियर और कुरियर कैरियर है वो गवर्न होते हैं कैरियर बाय रोड एक्ट 2007 के तहत। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरिन का ये वीडियो बहुत फायदेमंद रहेगा। बाकी एमबीसीएस बाबा की ओर से आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष। मिलते हैं एग्जाम के बाद, जहाँ पे आप अपने रिव्यूज हमें जरूर दें कि हमारे मॉक टेस्ट, महाकुंभो, रिविजन पैकेज, वन लाइनर्स ने आपको कितना फायदा दिया। आप जम के आप हमें हकीकत बताएं कि आपको कितना फायदा हुआ है। आपका जो धन्यवाद है वो हमारे लिए रियल वैल्यू एड करता है। थैंक्स अ लॉट।